नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण, मेरे साथी केसी चौधरी। आप सब इको फिजिक्स दे रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप सब जानते हैं इको फिजिक्स चाहे नीट का हो या जेई का हो, सीएलसी की यूनिक अप्रोच है। आज हम खड़े 2 मई 2022 को 16 इको फिजिक्स टोटल होने पे आज 10वें का सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। इसके पहले आप जानते हैं, आपने बायोकेम की वीडियो देखी, इको फिजिक्स के बाद आपका डीसीएम स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूं, पीवाईक्यू जो है 2013 से लेकर 2021 तक को हम नए फॉर्मेट में सूट स्टार्ट करके 1 जून से अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। पूरे जून का महीना पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम रहेगा। नीट में 2013 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्नों को सब टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज करके, जैसा आप जानते हो पहले 2013 से लेकर 2020 का अपलोड कर रखा है, उसको भी दोबारा को अपन रीशूट करेंगे। तो 2013 से लेकर 2021 तक का पीवाईक्यू शूट किया जाएगा। और ये अच्छे पेपर चल रहे हैं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं मैं कई बार। कुछ हमारे बच्चे कहते हैं पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचे है, ऊपर है, हम इतना ही जानते हैं। नीट का लेवल है वो पेपर सीएलसी लेवल है, ये मेरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। जो नंबर सीएलसी के टेस्ट में आते हैं वो आपके नीट में आएंगे, यदि आप टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से। हमारे पेपर का लेवल वहां रहता है जहां नीट आता है। नीट 2020 का पेपर देखे, 2021 पेपर देखे। और बेटा यदि पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा, वो 3-4 क्वेश्चन के कारण हम पूरी 45 क्वेश्चन का बैंड नहीं बजा सकते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, शुरू करते हैं कि सर उस 10 क्वेश्चन में भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, उसके बाद हमारे साथ ही करवाएंगे। पहला पॉइंट है कि द करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आवेश की पहचान किससे होती है? रिपल्शन से होती है। ये बिल्कुल एक सेट क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब याद रखना है इसमें। और यही कोचिंग करवाते हैं, जो बच्चे कोचिंग आते हैं टीचर नोट्स लिखवाते हैं, इनको पढ़ना होता है। ओके सर, अगला पेज निकालें। नेक्स्ट है +2 माइक्रो कूलम +6 माइक्रो कूलम परिमाण के दो चार्ज हैं। देखो भैया ये +2 है, ये +6 है, इनके बीच कोई 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या भैया? 12 है। वो 12 किसके बराबर है? K मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन R स्क्वायर। सही कह रहा हूं सर? कई दिन खड़ा हूं आज। अब वो कहता दोनों पे -2 जोड़ दिया जाए, तो भाई ये +2 है, इस पे जैसे आप -2 जोड़ोगे क्या हो गया? 0। तो आप जानते हो कूलम में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। यदि कोई एक Q 0 हो गया तो फोर्स क्या हो गया पुत्र? 0। मेरे हिसाब से फिर एक क्वेश्चन हो गया, ऐसे तो होता। और क्या ये सॉल्यूशन है? ऐसे डिस्कस करते करते 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आए, प्योर वाटर का डायलेक्ट्रिक 81 है, तो इसकी विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता वगैरह हिंदी बहुत टिपिकल होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिविटी। तो ये जहां तक मेरे को याद है epsilon r = epsilon upon epsilon naught ये रिलेटिव हो गया, ये वैक्यूम का हो गया, ये मीडियम का हो गया। अब आपको किसका चाहिए? मीडियम का। तो क्या करोगे? epsilon naught epsilon r, इसकी सब जानते हैं। 8 पॉइंट कितनी होती है? 8.85 × 10^-12। वो याद रखना पड़ेगा। अब कई तो कहते हैं ये कैसे लिख दिया आपने, कैसे लिख दिया? डॉक्टर पढ़ाई करना ही पड़ेगा भाई, ये तो कुछ भी कह लेगा, किसकी वैल्यू क्या है याद करना ही पड़ेंगे। और ये एप्सिलॉन आर कितना दिया अगले ने? 81 दिया है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कौन है? थर्ड आंसर है इसका, देखना सही कर रहा हूं भाई, थर्ड में थर्ड आंसर है। इसमें कोई आगे गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू दे रखी है। आगे चले भैया जी, फिर आप देखें अगला बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मेडिकल में तो ये क्वेश्चन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन किसी सम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, टेंशन क्या? देखो भाई सुनो, एक एफ होता है एम ए और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है कैसे सर? क्यू ई। दस क्वेश्चन में करता हूं, बाकी सारे किस तरह करेंगे। तो आप दोनों को इक्वल कर दो, क्यू भाई एम ए इक्वल टू क्यू ई। आपको क्या चाहिए? ए का रेशियो, तो क्या लिखोगे? क्यू ई वाई है। देखो भाई एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, कुछ डेटा वो कॉन्स्टेंट करता है, कुछ वो बदलता है, कुछ वो बदलवाता है। मेरा फंडा है जो बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग टिकाओ। पिछले बार एक कमेंट आया था, फिर भाग टिकाओ क्या होता है, इसको डिवाइड कर लो। अब आप देखो ए चेंज हो रहा है, क्यू कौन है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन है, सेम चार्ज है, 1-2 नहीं लगाएंगे। ई कौन है पुत्र? सेम फील्ड, इसके 1-2 नहीं आएगा। मास चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन अलग है प्रोटॉन अलग है, तो ये कौन है? ए किसका है? ई का। और एम भी किसका जाएगा? ई का।
एम भी किसका हो जाएगा, ई का। दूसरा किसका लें, प्रोटोन का, तो क्यू तो क्यू रहेगा, ई ई रहेगा, एम किसका हो गया, प्रोटोन का। तो ए ई अपॉन ए पी तो ज्यादा अनुपात पूछा है, अनुपात आप देखो ए ई अपॉन ए पी क्या आएगा, एम पी अपॉन एम ई आएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रोटोन के द्रव्यमान अनुपात पहले कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, तो मास किसका आएगा, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये मेडिकल तो यही है भैया। अब कई लोग छब्बीस जी के चक्र दुबे जी बन जाते हैं। आज हमारे पेपर में हमने 10 क्वेश्चन डाले टेढ़े वाले, फिर से बता दूं उनके एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। फिर भी पिछले दिन मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो कई लोग कह रहे थे थोड़ा लेवल दो, तो मैं लेवल दे रहा हूं आज, फिर से कहता हूं उनका एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। डीए ने ये एग्जाम तो, अरे सब कुछ है इसमें, कहना बहुत आसान है भाई। एक देखो दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक होता है इलेक्ट्रिक। तो यहां कौन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं इसको, ए बराबर एम ए, ए बराबर क्यू ई, फोर्स फोर्स होता है भाई, झटका झटका होता है, बिजली से लगाओ चाहे चुंटी काट के लगाओ चाहे किसी को तपती छड़ लगा दो, लगा के देखो अगला भागेगा भागेगा, सीधी सी मारवाड़ी है। ए बराबर एम इक्वल टू क्यू ई, ए बराबर क्यू ई बाय एम ए, जो नहीं वेरी होता उसके 1-2 नहीं आता है। ओके डियर आगे चले, अगला निकाले, फिर एक शानदार क्वेश्चन है। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, दो प्लेट क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेट होगी लोजी, ठीक है डियर। एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, एरिया ए मीटर स्क्वायर, एक एम आवेश की तेल की बूंद दोनों प्लेट के मध्य साम्य अवस्था में है, तो तेल की बूंद पे आवेश क्या है। देखो डियर तेल की बूंद है तो मुझे इतना ही पता है कि इसमें एम जी नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा, बोलो हाँ या ना। अब इस पे चार्ज क्या रहे, तो जितना एम जी नीचे की ओर है उतना क्यू ही ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर फोर्स कब लगेगा, जब धक्का मारोगे, तो धक्का किस पे लगेगा, ये माइनस, तो कॉमन सेंस की बात है क्या होगा, माइनस क्यू होगा, सही कर रहा हूं। तो दोस्तों एम जी किधर है, नीचे की ओर, क्यू यू किधर है, ऊपर की ओर, इन दोनों क्या कर दो, बराबर एम जी बराबर क्यू ई, तो क्यू बराबर क्या आया, एम जी अपॉन ई। अब ई क्या है वो हम जानते हैं, कौन है भाई, एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में ई क्या होगा, यहां पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए आएगा सर, ये लो जी एप्सिलॉन ए। अब सब कुछ आ गया, देखने को बहुत छोटा लग रहा है, बट इसमें भैया कैपेसिटर आ गया, प्लेट्स का नॉलेज आ गया, एम जी नीचे की ओर है, क्यू यू ऊपर की ओर है। बच्चों मैं विशेष इसी रहा हूं सॉल्यूशन में, कि पिछले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो कुछ बच्चे बहुत नेगेटिव अप्रोच पे जाके अटैक करते हैं चीजों पे, तो बोल लो मुझे बताओ सर हमारी चारू के हमारे टेस्टों का स्कोर था एवरेज 699, एग्जाम का स्कोर है 705। ये श्रवण फिर से होश में कह रहा है, यदि आप सीएलसी के टेस्ट देते हो ईमानदारी से तो दावे से कह सकता हूं मैं डियर आपके से कम नंबर नहीं आएंगे। एक लड़का आया था कल आदित्य कड़वा, उसका अपने स्कोर है 659 पॉइंट कुछ है, उसका एग्जाम का स्कोर 660। ऐसे अनेक बच्चे हैं। हाँ एक बात और सुनो, ये वीडियो सॉल्यूशन आप 2 तारीख को देख रहे हो, कल 3 तारीख को भाई विजय ग्राउंड में बॉर्डर मूवी दिखाई जा रही है, सबको आना है, ठीक 7 बजे बॉर्डर यूनिफॉर्म के साथ आना है, कार्ड के साथ आना, बाहर का बच्चा को ले सकता है, इसमें सीएलसी का बच्चा आ सकता हो चाहे टेस्ट सीरीज का हो चाहे ऑफलाइन का हो, कोई ऑनलाइन का बच्चा सीकर आस पास रहता आना चाहे तो कल दिन में आके अपना पास ला लेना। तो लो जी हो गया, वो दिक्कत इसमें उसका आंसर सही कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, एम जी एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्यू। तो इसमें क्या बचा, देखा जाए तो बहुत सिंपल है लेकिन 4-5 कॉन्सेप्ट सारे काम आ गए, क्योंकि इससे गलत क्या हो गया, आगे चले डियर। अब आप देखो ये उससे भी सुंदर है, एक आवेश क्यू चार्ज क्यू प्लेस एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, देखो फिर पढ़ो क्या कहता है, कोई क्यू आवेश एक वर्ग के केंद्र पे रखा हुआ है, रख दिया भाई ने, यदि इसके कारण वर्ग के कोनों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु तीव्रता E2 है, तो E1 E2, तो यहां इंटेंसिटी क्या बताया इसने, E1, और यहां क्या बता रहा है, E2। अब सबसे बड़ी बात इसमें है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अपने डिस्टेंस तो क्या होगी, A/2, और ये डिस्टेंस क्या है, अब ये याद रखनी होगी डियर, ये डिस्टेंस होती है A/√2, और यदि ये त्रिभुज हो तो A/√3 जी बस, ये याद रखने होते हैं, और ये किससे आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं, तो सिलेक्ट कौन होगा जो प्रैक्टिस करेगा, ये डिस्टेंस A/√3 है, ये डिस्टेंस क्या है, A/√2 है, ये अपने आप क्या है, A/2। तो इसमें अपन एक बात करें तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/A/√2 का स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा 2, और E2 में क्या आएगा पुत्र, वो तेरा KQ/, ये क्या है A/2 है, A/2 का मतलब क्या है A^2/4, ये तेरा कैंसिल आउट हो गया, E1/E2 क्या हो गया 1/2 आ गया,
वन बाई टू आ गया, अपना पेपर साथ साथ चेक करते रहे, कुछ भरने में गलती नहीं हो जाए, एक बट्टा दो आ गया, आंसर आ गया, आगे चलो भैया जी। अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन आ गया, पी डाइपोल है कोई जिसके निरक्ष पर, सब जानते हैं भैया ये इसके अक्ष अक्ष है, ये इसकी निरक्ष है, या ई का फॉर्मूला वी का फॉर्मूला, यहाँ ई का फॉर्मूला वी का फॉर्मूला, एक थीटा पर ई का फॉर्मूला वी का फॉर्मूला, छह फॉर्मूले भैया याद रखने। अब तो याद नहीं है तो भाई जी नमस्ते छोड़ देता है, नीट की कब का डॉक्टर बन जरूरी है क्या भैया, डॉक्टर बनना है क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला अपना है, इसका अपना फॉर्मूला है। हाँ यहाँ सुनना, हम फॉर्मूले में के काम लेंगे, पर आप जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, 1/4π ε0 तो 2kpr³। अच्छा एक बात सुनना, बाकी सब जगह v में r आता है, यहाँ स्क्वायर आएगा, e भी सब जगह r स्क्वायर आता है, r क्यूब आएगा, इस कॉमन सेंस की बात है, ये अलग बात है। बस उसका कौन सा आंसर हो गया 7 नंबर भाई, सेकंड आंसर हो गया आपका, टिक मार देते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। आगे चलो भैया आप क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। अब इसको मैं क्या बताऊं भैया, वर्क पथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो बस वो तो ना एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहां से वहां जहां मिल जाओ, W1 W2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जीरो नहीं हो गया अभी, तो बराबर हो गए, जीरो तो नहीं हो, जीरो तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। W इक्वल टू क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई डीवी। वर्क क्या है, डिपेंड नहीं करता, क्यों डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स पे कार्य पथ डिपेंड नहीं करता। मैं हीट का टीचर हूं, हीट पे पथ डिपेंड करता है, हीट क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो जो कंजर्वेटिव है, जो संरक्षी है, वहां कार्य पर डिपेंड नहीं करता, जो असंरक्षी है, तो बात नहीं बात आ गई, उष्मा गति की जो है हीट और कौन है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो वहां याद करो क्रिया का कार्य वर्क, वर्क जो वर्क डन है वो कवर्ड बाई एरिया होता है, फिर आंसर आ गया। आगे चलो भैया, फिर आप ये देखो, अब इसमें क्या कौन सा संभव नहीं है भाई, 1.6 × 10⁻¹⁹ छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो पावर इससे बड़ी नहीं, ए की पावर -20, देख ये कौन सा आंसर हो गया, ये पॉसिबल नहीं। बस अभी हमारे हाथ में सबसे कम चार्ज कौन है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ओके आगे चले कैसे सर, लो भैया ये फिर लाडला क्वेश्चन आ गया हमारा, साफ कहता दो एक समान धातु के गोले है, बना भैया गोले, एक पे क्या कहता पुत्र 10 है, एक पे क्या कह रहा है -20 है, आवेश किया दोनों को परस्पर संपर्क में लिया है। देखो भाई सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले अलग अलग है, तो एफ का मान आएगा के मल्टीप्लाई 10 × -20/r² ये एफ वन है, संपर्क में लाने के बाद चार्ज होता Q1 + Q2/2 क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो 10 और -20 को जोड़ो कितने हुए -10, आधा करो कितने हुए -5, तो क्या बचा के -5 - 5 r² 10 × 20 कितने हुए भैया 200, 5 × 5 कितने हुए 25, 25 × 200 ये -माइनस प्लस एक माइनस बच गया, आंसर क्या आ गया, बस हो गया। लो जी 10 क्वेश्चन करवाने की बात की थी, अब इतने करवाएंगे, अब वर्क कैसे करवाएंगे आपको। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सीएलसी जो पेपर दे रही है उसमें दिमाग मत लगा, और दिमाग लगाए तो भाई क्यों तो टाइम वेस्ट अपना कर रहा, देख के क्यों हमारे नेगेटिव कमेंट कर रहा है यार, हम तेरे को कोई नुता देखा है कि इनको देख भैया थोड़ा कड़वी बात क्यों नहीं आती मेरे को, इसलिए आप इनको देखें तो पॉजिटिव रहे। और कुछ लोग ये बोल से दूसरी कोचिंग के गुरुजियों के चक्कर में लिखते रहते रहे, गुरुजियों के चक्कर में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार, गुरुजी फीस देते कहीं पढ़ लेते अपने। ओके सर कंटिन्यू करें, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है कि 3 स्मॉल स्फेयर है, हर एक पे चार्ज क्यू है, और प्लेस कर दिया सर्कमफ्रेंस पे एक सर्किल के जिसका रेडियस है आर, और ये इस तरह से बन रखे हुए हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे, मतलब ट्राइंगल के कॉर्नर पर एक तरह से लिख रखे हुए हैं। अब एक दूसरा चार्ज क्यू जो है वो सेंटर पे रख दिया सर्किल के, तो इस पे फोर्स कितना होगा वो पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक सर्किल और उस सर्किल के ऊपर क्यू चार्जेस रख दिए ऐसे कि ये सारे मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे, क्यू चार्ज यहां रख दिया, क्यू यहां रख दिया, क्यू यहां रख दिया। अब अगर सारे इक्वल डिस्टेंस पे है तो सबकी वजह से मिला के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन सबकी वजह से सेंटर पर मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, क्योंकि सबका कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, सबकी वजह से मिला के जीरो। सिमेट्रिक बॉडी अगर है, कॉर्नर पे बराबर बराबर चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज अगर रखोगे भी तो उस चार्ज पे फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू ई
तो P की वैल्यू जीरो, तो चार्ज पे फोर्स जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि तीन चार्जेस हैं, हर एक का चार्ज है प्लस टू क्यू और प्लेस कर दिया एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर से वैसा ही है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया क्यू। अब फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस एफ, कोई भी दो चार्ज उठा लो उनके बीच में फोर्स बोल दिया एफ, तो नेट फोर्स किसी भी एक चार्ज पे कितना होगा। तो देखें क्या बोल दिया, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और हर एक का चार्ज दे रखा है क्यू। अब किसी भी एक चार्ज पे, जैसे इसकी वजह से इस पे फोर्स रिपल्शन होगा, एफ बोल दिया, बता रखा है एफ, इसकी वजह से इस पे रिपल्शन होगा, ये बोल दिया एफ, तो ये दोनों की वजह से एफ एफ हो गया, इस पे नेट फोर्स पूछा हुआ है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल सारे 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाएगा। या तो दोनों पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट, या सीधा कर दो कि एफ कॉस 30 बराबर बराबर है, इसलिए कर रहा हूं एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ जाएगा एफ कॉस 30 होता है रूट 3 बाई 2 एक का, और एफ कॉस 30 दूसरे का, तो रिजल्टेंट आ जाएगा यहां पे एफ रूट 3 के बराबर। तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो एफ रूट 3 के बराबर रिजल्टेंट फोर्स किसी एक चार्ज पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, ये बोल रखा है कि एक चार्ज है रूट 3 इंटू 10 पावर माइनस 9 और दूसरा है माइनस 10 रेस पावर माइनस 6 कूलम। अब दोनों को दो जगह रख दिया, एक को रख दिया एक तरह से ओरिजिन पर, एक को रख दिया 1,1,1 पर। अब पूछा हुआ है कि फोर्स जो सेकंड चार्ज है उस पर कितना लगेगा, वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है, तो याद होगा कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स अपन क्या बोलते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में रखा हुआ है। आप फोर्स किस पे पूछा है, सेकंड पे, तो यहां पे लिख दो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स हो गया दो चार्जेस के बीच में। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, k की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 इस बार 9, q1 कितना रूट 3 इंटू 10 इस बार माइनस 9, q2 कितना माइनस है, यहां पे माइनस आगे भेज दे रहा हूं, 10 इस बार माइनस 6 बाय r क्यूब। अब देखें दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जा रहा है, तो x में डिस्टेंस हो गई 1, y में हो गई 1, z में हो गई 1, तो टोटल डिस्टेंस जो है वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं कि दूसरे की पहले से देखने पर पोजीशन क्या है, तो दूसरे की पोजीशन पहले से देखने पर x में 1 है i कैप, y में कितनी है 1, z में कितनी है 1, तो ये r21 वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और रूट ले लेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, ये r21 आ गया। अब नीचे क्या करना है, r21 का क्यूब करना है, मतलब रूट 3 की पावर 3, और इधर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया i प्लस j प्लस k। अब देखें रूट 3 का क्यूब लिखा हुआ है, एक तो रूट 3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, इसको हटा के लिख दूं, ये लिख दिया इसको, रूट 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स ये आ जाएगा, और माइनस 9 और प्लस 9 ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया माइनस 3 इंटू 10 इस पावर माइनस 6 माइनस 3 इंटू 10 इस पावर माइनस 6 आई प्लस जे प्लस के है, ये रिजल्टेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में दूसरे वाले पे पहले की वजह से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही होगा वो पूछा हुआ है। तो पहले ऑप्शन में देख रखा है, दे रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल टू मेटेलिक सरफेस, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी मेटेलिक सरफेस हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, और इसकी सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, ये कंडीशन है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बोल रखा है देखते हैं, तो पहले में बोल रखा है कि पैरेलल है, जबकि पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है, तो पहला गलत है। दूसरा में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड ए मेटेलिक सरफेस इज जीरो, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेटेलिक सरफेस पे कितना जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में बोला हुआ है, ध्यान रखना। जब यही चीज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी की वजह से चार्ज एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा होता है। थर्ड में बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये भी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बनाओगे तो उसके परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड अपना सही है।
तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया, जिसमें सेकंड और थर्ड अपने सही। 14 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15 में क्या दे रखा है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, तो सब में पोटेंशियल के लिए पूछा हुआ है। तो रिलेशन क्या है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि E डॉट dr का नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है। या सीधा सीधा याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाएंगे तो E डॉट dr पॉजिटिव बनेगा, बाहर नेगेटिव, तो डेल्टा U चेंज आया, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुआ है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो E डॉट dr ये आ जाएगा नेगेटिव, बाहर एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पूछा हुआ है कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज। 15 के बाद अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है कि एक यूनिफॉर्म मेटेलिक स्फीयर है जिसको प्लेस कर दिया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मेटेलिक प्लेट्स, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह की, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो किस तरह की होगी अगर एक मेटेलिक स्फीयर दो प्लेट्स के बीच में रख दिया जो पहले से चार्ज है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां पे भी लगानी है कि मेटेलिक सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर दूसरा, मेटेलिक सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कंडीशन देखते हैं कौन कौन से में, पहले इनसाइड नहीं है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सरफेस में परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, यहां पे देखोगे तो परपेंडिकुलर नहीं है, गलत है। इसमें देखोगे तो इनसाइड तो नहीं है और लगभग बेंड भी की हुई है परपेंडिकुलर के, इसके अंदर देखोगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए गलत हो गया, ये परपेंडिकुलर नहीं था इसलिए गलत हो गया। यहां पे क्या होगा कि ये तो बेंड हो रही है, मतलब अवे जा रही है, जबकि इसकी वजह से जो ही चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे आकर खत्म होनी चाहिए परपेंडिकुलर ऐसा। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो पूछा है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर डायमेंशन निकालनी है या किसी की भी डायमेंशन निकालनी है, कोई सिंपल सा फॉर्मूला उठा लो या ऐसा फॉर्मूला उठा लो जिसमें तुम्हें डायमेंशन बाकी की पता हो, सिंपल सी हो। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को यूज करें, लेकिन ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पता होनी चाहिए, फोर्स की डायमेंशन तो याद भी रहनी चाहिए कि MLT-2 होती है, तो फोर्स की डायमेंशन से कंपेयर करके देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F equals to K को लिख दिया 1/4πε0 Q1Q2/r2। εr इधर जाएगा, बाकी फॉर्मूले में बन गया Q1Q2/r2 F proportional बोल दो, 4π तो डायमेंशन लेस है। तो यहां पे डायमेंशन कंपेयर करें तो ऊपर आ गया चार्ज, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, स्क्वायर है, नीचे है डायमेंशन लिख रहा हूं सीधा, अब नीचे है r, r है डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स है, फोर्स होता है MLT-2। तो इससे देखोगे तो ये वैल्यूज कन्वर्ट होके आ जाएगी m ऊपर M-1, L लिखेंगे 2 और 3 L-3, और T की जगह ऊपर आ जाएगा और पहले से दो, पहले से ये 2 और आ जाएगा 4 और A 2। तो ये डायमेंशन अपनी मैच होनी चाहिए, तो M1 L-3 T4 A2, तो फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 के बाद, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18 में क्या बोल रखा है कि दो चार्ज और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से और इनके बीच में जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का है। अब क्या किया, एक चार्ज को इंक्रीज कर दिया 10% से और दूसरे को रिड्यूस कर दिया 10% से, तो एक तो बढ़ा दिया है दूसरे को कम कर दिया है, तो इनके बीच में नया फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। तो देखते हैं, पहले फोर्स एफ था वो हम बोल सकते हैं K Q1 Q2 / r2। अब ये पता होना चाहिए कि 10% बढ़ा देंगे तो नया कितना आना है, अगर पहले चार्ज Q था, अगर 10% इंक्रीज कर दिया तो फ्रैक्शन वाइज बोल सकते हो कि 0.1 इंक्रीज कर दिया, 0.1 इंक्रीज हो गया तो 0.1 पहले वाले में ऐड भी तो करोगे, 1.1 Q1 चार्ज नया वाला, 10% रिड्यूस कर दिया तो 10% कम कर दिया, फ्रैक्शन वाइज 0.1 कम कर दिया, तो 1 में से 0.1 कम करेंगे तो 0.9 बचेगा Q2, ये दूसरा चार्ज है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर इधर के। अब बाकी को कंपेयर करें K Q1 Q2 / r, ये नया वाला फोर्स देखा है मैंने, F डैश चेंज करने के बाद,
तो यहां पे के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तो पहले वाला फोर्स है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो 990.99 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी पहले वाला फोर्स है। तो नया वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का 0.99 हो गया, फ्रैक्शन वाइज 0.99 है, परसेंटेज वाइज इनटू 100 कर दो तो 99% हो गया, या एफ की वैल्यू करेंगे 100 तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 99 न्यूटन के बराबर। तो नया वाला फोर्स हो जाएगा अपना 99 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पता ही है हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसपे चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर। तो हीलियम न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स कितना होगा। सिंपल सा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज होगा तो उस पर फोर्स होगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई, पूरा डायरेक्शन के साथ कंपेयर करना होता है, वैल्यू पूछिए केवल। तो क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, तो अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन के बराबर और एक प्रोटॉन का मास -19, इलेक्ट्रिक फील्ड है 15×10⁴ यूनिट, सारी एमकेएस में लिखी है तो न्यूटन में आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं 30×16 48 आ जाएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48×10⁴ कम कर दो -15 न्यूटन, इतना फोर्स ही आ जाएगा। तो देखते हैं सेकेंड ऑप्शन अगर देखोगे तो 4.8×10⁻¹⁴ तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर दो इधर, 1 पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो 4.8×10⁻¹⁴ न्यूटन आ जाएगा, तो ये अपना सेकेंड इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखें 20 में क्या बोल रखा है कि एक चार्ज है 100 μC का और उसको इस वाली पोजिशन पे रखा हुआ है। अब पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इस वाली लोकेशन पे कितनी होगी, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जरा लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख दें पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/r³ × r⁴। वैसे तो मैग्नीट्यूड पूछा हुआ इतना नहीं है तो एक बार इसको रहने देते हैं पूरे वेक्टर फॉर्म को, सीधा आर स्क्वायर लिख दें। अब इसमें के की वैल्यू 9×10⁹, चार्ज दे रखा है 100 μ और डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस देखोगे तो x में 3 से 9 हो गया 6, y में 4 से 12, y में हो गया 8, और डिस्टेंस क्या लिखेंगे जो भी x कंपोनेंट था x² + y² का रूट, स्क्वायर करना था तो रूट नहीं लिखा, 36 + 64 100 आएगा, नीचे वाली वैल्यू 100 कैंसिल हो गई पूरी, तो ये रह गया 9×10³ यूनिट न्यूटन पर कूलम बोल दो या वोल्ट पर मीटर बोल दो, दोनों यूनिट ही ऐसी, तो ये इतना पोटेंशियल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो 9000 वोल्ट पर मीटर के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2 और इनको एक थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू जो रखा हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू, इस क्यू पर नेट फोर्स किधर की ओर लग रहा है, कितना लग रहा है वो पूछा। तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन देख लो, हो सकता है डायरेक्शन से ही ऑप्शन आ जाए, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये वाला इधर की ओर धक्का मारेगा रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, दोनों चार्ज जो है मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, डिस्टेंस वाइज भी बराबर है, तो दोनों फोर्स बराबर बराबर लगाएंगे तो रिजल्टेंट किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आना चाहिए, तो पॉजिटिव अपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, तो नीचे वाला तो देखना ही नहीं। अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये दोनों पे फोर्स बराबर बराबर आएगा, ये एंगल अल्फा, अल्फा ये भी होगा सिमेट्री, ये भी अल्फा ही होगा, तो इधर की ओर नेट फोर्स आ जाएगा एफ कॉस अल्फा और दूसरे का भी एफ कॉस अल्फा, ये नेट फोर्स की वैल्यू सही है। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स लिखें चार्ज दे रखा है, एक है 2 और 1 है 4 और ये डिस्टेंस है 0.5, देखते हैं तो फोर्स ये नेट है, तो ये आ गया 2 K Q1 2 μ था, Q2 दूसरा 4 μ है, डिवाइड बाय r² डिस्टेंस 0.5 है, 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर 0.5 रहने दो, अभी स्क्वायर कर लेंगे, cos alpha देखोगे तो यहां से ज्योमेट्री से cos alpha हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.5,
तो 0.4 डिवाइड बाय 0.5 सारी वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 0.5 को 1/2 करके 2 पर भेज देते हो, तो एक तो 2 ये रहा, 2 ये है, 4 ये है, 0.4 इसका गायब कर देंगे बाद में, पॉइंट हटा देंगे, ये एक 2 है, एक और 2 है ये, और ये भी 2 है, और एक 9 है अपने साथ। और बाकी डायनेसो पावर में देखेंगे तो यहाँ पे -12 9 में से गए तो रह जाएगा -3, एक पॉइंट यहाँ पे था -4, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 16, 32, 64, 128, 256, 512, तो 512 ये है इंटू 9 इंटू 10 से पावर -4 ये वैल्यू आएगी। अब जरा आपका वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखोगे 9 × 5 तो लगभग कितना है 45 के आसपास वैल्यू आएगी, और पॉइंट किसका आगे देखोगे, इधर पॉइंट किसका, तो सीधा 3 से इधर किसका दिया, तो ये एक बच जाएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लगभग वही 0.46 के आसपास। यहाँ पे वैल्यू वाइज चेक कर लेना एक बार दोबारा, तो 3 ये किसका दिए, ठीक है, हाँ ठीक है, तो लगभग अपनी वैल्यू आ जाएगी ये मल्टीप्लाई करने पर 4.6, एक पावर और है तो 0.46 आंसर आ जाएगा, तो अपना सेकेंड आंसर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो केवल अप्रोक्सीमेट आंसर देखना है, सीधा देखोगे तो डबल दिख रहा है, तो डबल के आसपास वैल्यू का डिफरेंस है, तो वो देख लोगे इसके अकॉर्डिंग। 21 के बाद 22 पे चलते हैं। 22 में बोल रखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, एक पी पॉइंट मार्क कर रखा है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ये बोला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां भी डायरेक्शन पी पॉइंट पे डाउनवर्ड कर दें, तो देखें। और उसके लिए पूछा हुआ कि चार्जेस का साइन क्या होगा, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की ओर आना है डाउनवर्ड, तो ये कब हो सकता है, अगर इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ हो, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, अगर दोनों का इधर और इधर आएगा तब रिजल्टेंट नीचे की ओर आ सकता है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अभी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ आएगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, और अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट इधर आएगा तब ऊपर की ओर आता, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर रिजल्टेंट डाउनवर्ड है तो तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्योंकि इसका इधर इसका भी इसी की तरफ, रिजल्टेंट डाउनवर्ड, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अभी होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज की तरफ होता है, तो ये जब दोनों नेगेटिव है तब पॉसिबल है, तो 22 का हो गया 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे एक क्यूब बोल रखा है डायग्राम में और साइड लाइन दे रखी है एल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन के 37 डिग्री पे है, लेकिन ये ध्यान रखना कैलकुलेशन नहीं पूछी है, तो एंगल वैल्यू कुछ भी दे रखी होगी, हमें आगे थ्योरेटिकली पूछा हुआ है उससे देखते हैं क्या पूछा है। तो और ये बोल रखा है मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में से 37 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किस सरफेस से फ्लक्स जीरो है ये पूछा है। तो देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बोल रखा है कि एक्स वाई प्लेन में है, ये रहा एक्स वाई प्लेन नीचे वाला, तो इस प्लेन के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर रहा होगा या इधर रहा होगा, जो भी डायरेक्शन रही हो रिजल्टेंट 37 डिग्री पे बोल रखा है, 37 के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन है, जेड एक्सिस ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा इस प्लेन में रहेगा, इस एक्स वाई प्लेन में, अगर एक्स वाई प्लेन में ही है तो पीछे वाले सरफेस को कट कर सकता है, क्रॉस करके आएगा, साइड वाले सरफेस को कट कर सकता है, इधर वाली साइड वाली को कर सकता है, सामने वाले को कट करेगा, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर नहीं आएगा या नीचे की ओर नहीं आएगा, इस ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, तो अगर इसने ऊपर और नीचे वाली सरफेस को क्रॉस नहीं किया तो इन दोनों से टॉप और बॉटम वाली जो सरफेस है, टॉप और बॉटम वाली जो सरफेस है उनसे फ्लक्स पास नहीं होगा, ये पूछा था, तो फ्लक्स किससे नहीं पास हो रहा, S2 और S4 से नहीं पास हो रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 में बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया रेस से एक रीजन में जहां पे नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उधर चलना चालू हो जाएगा, तो क्या बोल रखा है, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, तो
पोटेंशियल के लिए बोला हुआ है, तो पोटेंशियल की बात कर लेते फिर। तो ये गया किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, अभी पहले डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ये वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव आता है चेंज, तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन विल बिगेन मूविंग टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है, सेकंड में क्या बोल रखा है, लोअर पोटेंशियल, वो गलत है। थर्ड में बोल रखा है कि अलार्म कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, वो नहीं, जिधर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उधर की ओर मूव कर रहे हैं। लास्ट में बोल रखा है कि इसके थ्रू अपन कुछ नहीं बोल सकते, तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, इसलिए पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, हायर पोटेंशियल की तरफ वो जा रहा होगा। 25 पे आते हैं। 25 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस, जेड एटॉमिक नंबर दे रखा है उसका 50, रेडियस दे रखी है 9×10⁻¹¹. तो ये पूछा है कि उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। ठीक है, सिंपल सा है कि कोई भी स्फीयर है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ/radius। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, K की वैल्यू 9×10⁻¹, चार्ज कितना, तो यहाँ पे ध्यान रखना 50 न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स रहे होंगे, चार्ज 50 है, तो 50×1.6×10⁻¹⁹, इतना टोटल चार्ज था, रेडियस है 9×10⁻¹⁹, तो ये पोटेंशियल टोटल पूछा हुआ है। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा है, 50×1.6 करोगे तो 80 आ जाएगा, ये आधा कर सकते हो 2 को मल्टीप्लाई करके, तो 80 आ गया, बाकी 9 कैंसिल हो गया, -10 रहा, प्लस 15 ऊपर आएगा, प्लस का 5 रह जाएगा, 10⁵ वोल्ट। तो 80×10⁵ या 8×10⁻⁶, तो इतना पोटेंशियल यहां पे आ गया सरफेस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रखा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है R1 R2 रेडियस के, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी सरफेस के पास, तो रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा ही बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक, अब पोटेंशियल कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है, तो सीधा सीधा है कि पोटेंशियल सरफेस पे होता KQ/R, इलेक्ट्रिक फील्ड होता R2। तो यहां पर देख लो, ये मैंने पोटेंशियल ही लिखा है। ठीक है, KQ/R को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है, V×R हो गया। तो सरफेस के लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो पोटेंशियल R के प्रोपोर्शनल हो गया, अगर R के प्रोपोर्शनल है तो V1/V2 क्या है, R1/R। ठीक है, तो जैसे भी बॉस बता रहे थे कि 1 2, तो सेम वही यहां पे है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो यहां पे तो 1 2 लगाना नहीं है, R अलग अलग है तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 लगा दिया, तो V1 R1 V2 R2 प्रोपोर्शनल आ गया। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, अपना 3rd। 26 के बाद अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, तीन चार्ज है 2q -q और -q, और वो फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है, तो इसके सेंटर पे पूछा हुआ है कि इस ट्रायंगल के सेंटर पे क्या होगा, क्या क्या पूछा हुआ है, फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, हर किसी में फील्ड और पोटेंशियल की बात की हुई है, तो निकाल लेते हैं फील्ड और पोटेंशियल। तो देखो 2q चार्ज ये है, -q ये है, -q ये सेंटर पे पूछा हुआ है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ। अब ये कहीं से भी जीरो हो सकता है क्या मिला के, क्योंकि ये रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट भी नीचे और ये भी नीचे, तो ये नॉन जीरो आएगा हमेशा इस सिचुएशन में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल देख लेते हैं, 2q माइनस का पोटेंशियल अब क्या है, सॉरी प्लस था, ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा जोड़ना है, अदिश राशि है, सीधा सीधा योग होगा उसका, तो इस 2q की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कुछ भी एक वैल्यू मान लेते हैं, वी है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारी बराबर बराबर, ये डिस्टेंस, तो यहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल, अगर मैंने वी बोल दिया, डिस्टेंस वही है, चार्ज आधा हो गया, पोटेंशियल आधा हो गया, चार्ज नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, सेम वही चार्ज इसी के बराबर, तो वही पोटेंशियल इसकी वजह से,
तो टोटल मिला के पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो गया? जीरो। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और पोटेंशियल जीरो, तो 27 का सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 में चार पॉइंट है यहां पे कंडक्टिंग, एक मिनट, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर दे रखा है इस डायग्राम में, पोटेंशियल ए बी सी डी पर वी ए वी बी वी सी और बी डी दे रखा है। तो पूछा हुआ है कि इनमें क्या रिलेशन है इनके बीच में, तो ध्यान रखो अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? वो भी जीरो है। तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, ये नहीं बोला कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम मिलता है। तो कंडक्टर के अंदर ही सारे पॉइंट है ए बी सी डी, सरफेस पे भी वही वैल्यू आएगी जो इनसाइड है, तो इसलिए चारों पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। यहां पर तो जाएगा 28 के बाद अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ सर्टेन पॉइंट देन वी शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट। सेम अगले में बोल रखा है कि ई इज नॉट जीरो एट अ सर्टेन पॉइंट देन वी शुड नॉट बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है कि किसी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी जीरो होगा, और अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस पॉइंट को जरा डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहां पे चार चार्ज रख दूं कॉर्नर पे, सेम स्क्वायर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सबका आपस में कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो, पोटेंशियल देखोगे स्केलर क्वांटिटी है सबकी वजह से पॉजिटिव आएगा, ऐड ही होगा, जीरो नहीं हो सकता, पोटेंशियल नॉन जीरो। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं है। अब इसी में ही ये चार्ज ले लेते माइनस क्यू प्लस क्यू। अब देखो, अब देखेंगे तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सबकी वजह से जुड़ के जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आवे नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से आवे नेगेटिव की तरफ, तो पूरा मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर आया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया नॉन जीरो। तो ये कोई रूल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, या जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसे भी बन जाएगी जहां पे दोनों जीरो हो जाएंगे, यहीं पे रख लो कि अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे भी नेगेटिव रख लो, यहां पॉजिटिव रख लो, अब चेक करके देख लो दोनों चीजें एक साथ जीरो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे वी जीरो होगा, गलत है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो वी वहां पे जीरो नहीं होगा, ये भी गलत है, यहां पे ई नॉन जीरो था वी जीरो फिर भी। तीसरे में बोला गया कि वी जीरो है किसी पॉइंट पर ई शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट, ये भी नहीं है, ये रहा। फोर्थ में इफ वी जीरो एट अ सर्टेन पॉइंट देन ई मे और मे नॉट बी जीरो, तो भाई जीरो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसमें अपना ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रखा है कि अगर ए से बी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वर्ग बता रखा है इतना। ए से बी गए किसको लेके गए इलेक्ट्रॉन को, तो उस वाली कंडीशन में वर्ग कितना है phi1 phi2 इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल है, तो ये पूछा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस सी और ए के बीच में कितना है। तो देखो जी सी यहाँ पे ए यहाँ पे, ये पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो सी का पोटेंशियल है वो बी का, तो पूछा है वी सी माइनस वी बी वी ए वही वैल्यू है जो वी बी माइनस वी ए। साइन वैसे देख लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल कम होता है, तो ए का पोटेंशियल कम है बी का पोटेंशियल ज्यादा है, या ए का पोटेंशियल कम है सी का ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव वाली वैल्यू वैसे डाल दो जीरो आएगा नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग है इसलिए। तो इन दोनों में से चेक कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, दूसरा ये भी बोल सकता हूँ कि जो भी वर्क है मैग्नीट्यूड केवल चेक कर रहा हूँ, अभी वर्क अबाउट चार्ज के बराबर बोल दूँ यह आ जाएगा, तो वर्क की वैल्यू है 6.4 इंटू 10^-19 बाय चार्ज 1.6 10^-19।
19 गया, 4 आ गया, तो 4 वोल्ट इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। साइन हमने अलग से देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो ए का कम है, सी का ज्यादा था, तो वी सी माइनस वी ए पॉजिटिव आना है, प्लस 4 आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट 30 के बाद 31 पे चलते हैं। 31 में एन चार्ज ड्रॉप है, हर एक की रेडियस आर है, और चार्ज इन पे हर किसी पे क्यू दे रखा था, और इनको अब मिक्स कर दिया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी आर रेडियस की, चार्ज क्यू, और वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस ऑफ ड्रॉप पे। तो इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा रिलेशन सही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में बड़ी वाली ड्रॉप। तो इसमें एक चीज को ध्यान रखो, ये कई जगह और भी क्वेश्चन आता है, कई जगह और भी रिलेट करना पड़ता है, कि जब मिक्स करेंगे एंड ड्रॉप्स को तो उस वाली कंडीशन में वॉल्यूम उतने का उतना ही हम करते हैं। तो पहले बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम, ये एन ऐसे मिक्स कर दी तो बड़ी ड्रॉप के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से या तो रेडियस का रिलेशन याद रख लो कि 4/3 कट गया, पूरे की पावर 1/3 करेंगे, ये रेडियस में रिलेशन है। अब चार्ज में क्या होगा कि अगर मिक्स करेंगे तो नया वाला जो चार्ज होगा वो पुराने वाले चार्ज को ऐड कर दो, सीधा सीधा चार्ज कंजर्व होता है, तो टोटल चार्ज मिला के क्यू इतना होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बड़ी वाली ड्रॉप पे, तो बड़ी वाली ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे के क्यू, क्यू लिख देता हूं, बाय आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लिखना था, कैपिटल आर की वैल्यू वहां से रख दी, स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर, छोटी वाली ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एन देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 2/3 तो 1/3, और ये पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल, पोटेंशियल कंपेयर करना है तो वही के क्यू, बड़ी वाली ड्रॉप का लिख रहा हूं, बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस, एन एस बार 1/3 स्मॉल आर। तो देखोगे तो यहां पे क्या दिख जाएगा, के क्यू बाई आर, छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल, और एन क्या दिख रहा है, 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये पोटेंशियल के लिए रिलेशन आ गया। आप देख ले किस इसमें रिलेशन है, तो पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 1/3 और 2/3 गलत है, दूसरे में यहां पे 1/3, ये 2/3 आना चाहिए, वहां पे 1/3 करेक्ट है, तीसरे में स्मॉल को बिग से कंपेयर कर रखा है जबकि बिग स्मॉल के बराबर है, और यहां पे अगर 3/2 इस तरह से कुछ या माइनस दे रखा था तब कंपेयर करते हैं, और फोर्थ वाले में पोटेंशियल दे रखा है, तो फोर्थ अपना करेक्ट हो जाएगा। 32 में देखें कि चार आइडेंटिकल चार्ज हैं, प्लेस किए हुए हैं 1 x में 1 y में 1 x में -1 y में -1, तो एक तरह से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ले ले तो एक यहां रखा हुआ है उतनी डिस्टेंस पे, ये उतनी डिस्टेंस पे, ये और बराबर चार्ज रखे हुए, यही बोला था। अब इसमें बोला हुआ है कि इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके लिए, तो सीधा सीधा देखो कि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, सारे पॉजिटिव चार्ज है तो इनके आसपास तो कहीं जीरो नहीं आ रहा, इनफाइनाइट को छोड़ के तो पोटेंशियल कहीं पे भी जीरो नहीं है। तो पहले हम बोला क्या पोटेंशियल ओरिजिन पे जीरो है, वो गलत है। दूसरा जगह कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे दिख रहा है ये सबकी वजह से कैंसिल होगा, जीरो है, तो सेकंड वैसे गलत है। थर्ड बोला था कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन जेड एक्सिस अदर देन ओरिजिन इज जीरो, तो अभी बोल रहे थे अपन कि अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो वो जुड़ना है, वो तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, थर्ड वैसे ही गलत है। तो वैसे तो फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा दिख जाता है, फिर भी अगर जेड एक्सिस पे देखेंगे तो इनको, इस सिस्टम को हम एक रिंग की जैसे मान सकते हैं, रिंग की रेडियस हो गई 1 यूनिट, रिंग पे टोटल चार्ज हो गया 4 क्यू, तो रिंग के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं कि क्यू एक्स, जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं तो जेड लिख देते हैं, बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि 3 ऑप्शन अपने हट गए थे, एक ही ऑप्शन बच रहा था, तो जैसे जैसे ये जेड है तो जैसे जैसे जेड एक्सिस पे बढ़ोगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा और ओरिजिन पे जीरो है, ठीक है, तो अदर देन ओरिजिन एक्ट अलॉन्ग जेड एक्सिस, फोर सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 में देखें, एक चार्ज को मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द कूलम्ब्स फोर्स, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होगा इस कंडीशन में। तो सीधा सीधा देखो कि अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो फील्ड का वर्क तो क्या आएगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वर्क वैसे ही नेगेटिव होगा,
तो फील्ड का वर्क तो क्या है, नेगेटिव। अब उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए ले जा रहा होगा अगर, तो एक्सटर्नल का वर्क क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट पॉजिटिव। ठीक, तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत है, नेगेटिव वर्क। एनर्जी इज यूज बाय फॉर फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स विच डज पॉजिटिव वर्क, तो कोई एक्सटर्नल इस पे वर्क करेगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा, तो पॉजिटिव वर्क करेगा, एनर्जी खुद में से प्रोवाइड कर रहा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज डिक्रीज, स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि जिधर जा रहे हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर सकते, या ये बोल सकते हो कि अगर वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं फील्ड का, फील्ड का वर्क नेगेटिव है तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही होगी, तो ये भी वैसे गलत बोल रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे, तो देखें 34 सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्ज है क्यू और माइनस क्यू बाई फोर और उनको प्लेस किया हुआ है एक्स एक्सिस पे, सेपरेशन है उनके बीच में आर, तो एक्स एक्सिस ले लूंगा। एक चार्ज को रखा हुआ है माइनस क्यू बाई फोर पे ओरिजिन पे, और दूसरा जो है सॉरी एक चार्ज क्यू बाई फोर को रखा हुआ है ओरिजिन पे, और दूसरा राइट एंड इट इज प्लेस राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में रखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्यू कहां हो गया, लेफ्ट में, क्यू के राइट में ही रखा हुआ है। ठीक, अब पूछा हुआ है कि पोटेंशियल जीरो कहां का है, या तो अगर तुम्हें पोटेंशियल जीरो वाला रिजल्ट पता है क्यू के टर्म में तो वैसे लिख दो, अदरवाइज लिख देते हैं एक बार पोटेंशियल की, यहां पे कोई भी एक पॉइंट होगा दोनों की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। ऐसे ही इसके इधर तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट दूरी की वजह से भी कम हो गया, डिस्टेंस की वजह से भी, चार्ज की वजह से भी कम, तो इधर कभी नहीं मिलेगा। इधर अगर देखोगे तो इसकी वजह से डिस्टेंस कम, चार्ज भी कम, दोनों की वजह से मिला के इधर भी जीरो आ सकता है, दो पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट वाला हटा दो, तो दो पॉइंट बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 2.0 वाले, तो देखते हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 2 पॉइंट में जीरो आएगा, तो बीच वाले पॉइंट पर तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आएगा, इधर इधर जाओगे तो इधर मिलके एक पॉइंट मिल सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, इधर कहीं पॉइंट हो सकता है, इधर पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स, लेकिन पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जीरो नहीं मिलेगा, तो इस लाइन पे केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, तो ये भी वैसे गलत हो। तो अगर कैलकुलेशन नहीं भी करते हो तो भी आंसर थर्ड मिल रहा है, चेक कर लेते हैं फिर भी। तो ये पॉइंट ए पे पोटेंशियल लिखता हूं जरा, इस चार्ज की वजह से लिखा के क्यू बाय एक्स डिस्टेंस मान लिया, पोटेंशियल है के क्यू बाय एक्स ऊपर, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अब मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कर रहा हूं, डायरेक्शन वाइज सॉरी साइन वाइज कंपेयर कर चुके पहले, बराबर के क्यू बाय डिस्टेंस उससे हो गई आर प्लस एक्स, के क्यू कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा आर प्लस एक्स, फोर एक्स, थ्री एक्स बच जाएगा, आर एक्स की वैल्यू आर बाई थ्री, एक्स की वैल्यू आर बाई थ्री, दूसरा आ जाएगा बीच में पॉइंट माइनस आर बाई थ्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 के बाद 35 पे। 35 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स एक्सिस पे 0 से एल तक, मतलब 50 सेंटीमीटर तक, चार्ज डेंसिटी बता रखी है, तो टोटल चार्ज पूछा है, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा कोई इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, केवल इतना ही पूछा है कि चार्ज कितना है। तो देखो अगर चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो चार्ज डेंसिटी बोलते हैं dq / dt, dq / सॉरी dl, यहां पे x के टर्म में तो dx लिख दिया, तो dq कितना है लैम्डा dx, टोटल चार्ज पूछा हुआ है जोड़ दिया छोटे छोटे चार्जों को, लैम्डा कितना था a x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल सा है एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट रखनी है एक्स चालू हो रहा है जीरो से एल तक, तो टोटल चार्ज आ जाएगा, बस वैल्यूज ही रखनी है, तो ए की वैल्यू है 18 इंटू 10^-6 माइक्रो लिख दिया, एक्स की वैल्यू एल क्यूब रखेंगे 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो 0.5 × 0.5 × 0.5 डिवाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगी, तो 3 से ये हो जाएगा 6, 0.5 से 3 बाय 2 3 बाय 2 1.5 बाय 2 और करेंगे 0.75 माइक्रो कूलम चार्ज ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
तो देखो नेक्स्ट में चार चार्जेस दे रखे हैं, क्यू चार्ज है और एक रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस पे कॉर्नर्स पे रखे हुए, हर एक कॉर्नर की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ए बता रखी है। तो देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन में सारी चीजें बता रखी है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं बोल रखी। और पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है देखे यहाँ पे अगर पांचों पे चार्ज होता तो रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर पांचों पे बराबर चार्ज है तो कितना होगा सेंटर पे रिजल्ट, जीरो। सेंटर पे रिजल्ट जीरो आना है। अब यहां पे पांच तो है नहीं, चार है, कोई सा एक हटा दो, चार की वजह से पूछा हुआ है। अब अगर लिख के कैलकुलेशन करने लग गए तो टाइम बहुत लग जाएगा, ऐसे ऐसे अच्छा है क्वेश्चन छोड़ दो, ज्यादा बढ़िया है। तो कैलकुलेशन वैसे करनी नहीं है इसमें, सिंपल सा है कि पांच का रिजल्ट हमें पता है, चार का रिजल्ट निकालना है। तो सीधा सीधा ये बोलो कि अगर पांचवा होता तो पांचों मिला के सेंटर पे कितना होता, चार, सॉरी जीरो। तो चार का रिजल्ट कितना आएगा इस पांचवे को देने जाओ, तो चार का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के साथ कंपेयर करो तो चार का रिजल्ट कितना आएगा, पांचवे के बराबर और नेगेटिव साइड में। हमें तो चार का पूछा है तो इन चार का रिजल्ट कितना होगा, जितना यहां पे जो पांचवा होता उसके रिजल्ट का अपोजिट। डायरेक्शन पूछी नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो अकेले एक चार्ज का फोर्स कितना होता है, के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो के क्यू बाय फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक अकेले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि नेट रिजल्ट कितना होता है, जीरो। अगले पे चलते हैं 37 पे। बनाने को स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे कुछ बना रखा है लेकिन इतना कुछ नहीं है, सीधा सीधा पूछा हुआ है कि एम्पलीट्यूड कितना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो तीन अलग अलग टॉपिक से उठा के मिक्स करके क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें। तो कोई लंबी जोड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा है कि एसएचएम का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना साथ साथ। तो ब्लॉक का मास एम है, कैरी कर रहा है चार्ज क्यू और इसको रख दिया फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फ्रिक्शन कहीं नहीं है सरफेस पे। ब्लॉक कनेक्टेड है रिजिड वॉल से, सॉरी थ्रू ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की है। हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया पैरेलल टू स्प्रिंग। तो एम्पलीट्यूड बताना है, चार्ज था इस पे, एम्पलीट्यूड बताना है कितना होता है, ठीक। तो देखें यहां पे शुरुआत में जो रखा हुआ था अनस्ट्रेस्ड कंडीशन, वहां पे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिया, अनस्ट्रेस्ड कंडीशन है, यहां से चालू हुआ। अब पूछा क्या है, एम्पलीट्यूड। तो जब स्प्रिंग मास सिस्टम में ऑसिलेट करता है वेलोसिटी जीरो से वेलोसिटी जीरो तक जाएगा, लेकिन इतना कुछ नहीं पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम पता करो, इक्विलिब्रियम से एक तरफ की साइड क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के बराबर। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तो फोर्स क्या क्या है इस पे ब्लॉक पे, क्यू ई और दूसरी तरफ स्प्रिंग फोर्स के एक्स, दोनों बराबर है। और यहां पर स्प्रिंग खींची भी नहीं थी, तो यहां तक जितनी स्प्रिंग खींची है वही एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई एक्स के बराबर, जो एक्स है क्यू ई बाई के, क्यू ई बाई। तो देखें क्वेश्चन नंबर 38 में दो अपोजिट चार्ज है और उनको एक मेटेलिक मतलब आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है जो 0.5 मीटर अपार्ट है। अब क्या किया, जब इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा, इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ था, फोर्स है 0.108 न्यूटन। अब इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, तो कनेक्ट करने से क्या होगा, एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होगा और दोनों आइडेंटिकल है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि चार्ज दोनों पे आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा चार्ज हो गया। अब इसके बाद बोल रखा है कि अब इनके बीच में जो रिपल्शन है वो 0.036 न्यूटन है, तो इनिशियली चार्ज क्या था। तो देखें तो इन पे जो फोर्स है वो हो गया के, वैल्यू लिख रहा हूं सीधा, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर 0.5 पर स्क्वायर। और ये कितना बोल रखा है, 0.108, ठीक है। अब 9 से कुछ कैंसिल हो तो कर लेते हैं, Q1 Q2 लिख देते पहले, तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 3 इधर इसका दो पॉइंट, तो ये हो गया 10 बार -3, 9 और आएगा इधर, माइनस का 9 और आएगा, तो -12 और डिवाइड में हो गया 9, डिवाइड में हो गया 0.5 मल्टीप्लाई में, या 0.5 1/2 बोल दो तो डिवाइड में 2/2, 0.5 था 1/2 लिख दिया, 2 और 2 को डिवाइड किया, तो 9 से 9, 18, 2 से 6, 3, तो ये आ गया 3 × 10^-12 कूलम स्क्वायर, दो चार्ज मल्टीप्लीकेशन कर, तो 3 × 10^-12। देखो एक तो आगे कैलकुलेशन करने की वजह से तो यहां से आगे जरूरत है नहीं,
केवल ऑप्शन चाहो तो चेक कर सकते हो कि Q1 into Q2 यहाँ पे कितना आएगा, 6, 4, 3 चाहिए था 2, ठीक है। तो यहां से वैसे तो दिख रहा है कि ऑप्शन कौन सा है अपना, थर्ड। लेकिन फिर भी आगे देखें तो अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है कि चार्जेस को अब जब कनेक्ट किया तो चार्जेस आधे आधे हो गए इन पे, तो चार्जेस आधे आधे हो गए तो पहले पे चार्ज कुछ Q1 था, दूसरे पे चार्ज कुछ Q2 था, जो भी विद साइन है नेगेटिव होगा तो अपने आप कम हो जाएगा, चाहो तो मैग्नीट्यूड करके लिखो फिर ऐसा करो, अगर तुम्हें पता है कि दूसरा नेगेटिव आना है कम होना है तो वैसे करके लिख दो, डिवाइड बाय टू ये चार्ज होगा इन पे, फोर्स कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, वही 0.5 का स्क्वायर, और ये फोर्स दे रखा है 0.036। अगले पेज पे चलते हैं एक बार, तो यहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं के की वैल्यू राइज टू 10^9 क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर बाय फोर, और ये 0.5 इंटू टू मिला के ये पूरा कैंसिल भी हो गया है, बराबर 36 × 10^-3 312, तो 91 Q1 प्लस Q2 9 भी था यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 9 से 4 टाइम्स 4 × 10^ कितना है -12, ये था स्क्वायर, रूट कर दो यहाँ पे तो रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब दोनों चार्जेस का सम आना चाहिए 2 और दोनों चार्जेस का जो मल्टीप्लीकेशन वो आना चाहिए 3 × 10^-6 12 स्क्वायर था, तो 10^-6 माइक्रो में है तो माइक्रो में वैल्यूज आनी थी, ऑप्शन देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर ये -1 है ये +3 लोगे -1 + 3 2 ही आना है, मल्टीप्लाई करके देखोगे ये आएगा, साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने क्या बोला भाई यहाँ पे चार्ज जो है उनके मैग्नीट्यूड वो साइन को कंपेयर किया नहीं है, अदरवाइज नेगेटिव यहाँ पे था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 के बाद, 39 में क्या बोल रखा है कि 4 पॉइंट चार्ज है कॉर्नर पे रखे हुए कि स्क्वायर के, साइड लेंथ 0.02 मीटर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स बताना है अगर क्यू की वैल्यू 0.02 वैल्यू की बात, तो देखिए ये प्लस 2Q और ये प्लस Q, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 2 यूनिट, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 1 यूनिट, तो ऑल इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट के बराबर होंगे, 1 यूनिट मतलब एक क्यू की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ, ये 2Q है ये क्यू है, तो इसकी वजह से 2 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते, इसकी वजह से 1 यूनिट, और टोटल मिला के 1 यूनिट इधर की ओर बच जाएगा, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट ऊपर ये √2 टाइम्स, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू कितनी है के Q1 0.02 माइक्रो बाय आर स्क्वायर, आर कितना है ये साइड का बाय √2 होता है ए बाय √2, ए है 0.02 तो 0.02 बाय √2 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1√2 यहां पे है साथ में, तो देख लें इससे वैल्यू क्या क्या आएगी, तो 1 0.02 कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यूज देखते हैं अगले पेज पे चलते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 9 और -6 है प्लस 9 तो +3 1.2 कैंसिल हो गया, √2 √2 आके ऊपर 2 1√2 रह जाएगा और डिवाइड में रह गया 0.02, सही, इसको लिख दो 0.01 ऊपर आके 100 हो गया, तो ये आ गया 9√2 × 10^5 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, तो 6 में दे रखा है तो यहां पे एक पावर और खिसका दो और 14 × 9 1.4 हो गई इंटू 9 ये आ जाएगा 128 कह रहा हूं, पॉइंट इधर किसका दिया 10^6 न्यूटन पर कूलम, तो वैल्यू वाइज ही आ जाएगा, तो 1.27 × 10^6 वही आ रहा है, तो इसके अराउंड ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन। अगले पे चले क्वेश्चन नंबर 40, देखे 40 वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बता रखा है यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में केवल है, ठीक है,
और ई एक्स ई वाई, हाँ बाकी सारे जीरो बोल रखे हैं, तो केवल एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है, एक क्यूब को डायग्राम में बता रखा है वैसे कंसिडर करना है, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। अब देखो चाहे कितना ही वेरिएबल दिख रहा हो, कितना ही कॉम्पेरेट करके बोला हुआ हो, सीधा सीधा ये है कि जो शेडेड पार्ट तुम्हें दिख रहा है केवल उससे फ्लक्स पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एक्स में वाई वाली किसी सरफेस को नहीं काटेगा, जेड वाले किसी सरफेस को नहीं काटेगा जिसका नॉर्मल है वाई और जेड में, तो केवल इन दोनों सरफेस को ये कट करेगा, इन दोनों सरफेस को कट करेगा, तो यहां से एंटर कर रहा है फ्लक्स नेगेटिव बोल दो, यहां से निकल रहा है फ्लक्स पॉजिटिव बोल दो और टोटल फ्लक्स लिख दो। अब यहां पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इसका इधर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर अपोजिट, तो वो नेगेटिव से बोला हुआ है इसको। अब देखें इससे फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इस पूरी सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यू इसके लिए है 2a, क्योंकि a पे तो ये हो गया a साइड और 2a हो गई, पूरे के लिए x फिक्स है, x फिक्स है तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है इस सरफेस के लिए। तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स में पहले लिख रहा हूं, तो फ्लक्स लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एरिया वेक्टर की तरफ ही है, तो e into a लिख दूं, e हो रहा, x की वैल्यू 2a है, e एरिया लिखूंगा a स्क्वायर, तो ये phi 2 इस सरफेस पे फ्लक्स, इस वाले सरफेस पे फ्लक्स क्या है नेगेटिव क्योंकि एंटर कर रहा है, और कितना होगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस a है तो x की जगह a की पावर 1/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, एरिया a स्क्वायर, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा a की पावर 1/2 + 2 ये तो कॉमन आ गया, बाकी यहां पे रह गया √2 - 1 ये वैल्यू रह जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा कितना दे रखा है 800, a की पावर 2 अलग से लिख लेते हैं तो 0.1 का स्क्वायर तो वो 0.01 आ जाएगा, और a की पावर हाफ अलग लिख देते हैं 0.1 की पावर हाफ और √2 - 1 अलग लिख देते हैं जो आ जाएगा 0.41। ठीक है, अब इसको 0.1 की पावर हाफ करोगे तो ऐसे बोल सकते हो कि ये 1/10 है और 10 की पावर हाफ है जो 3.2 के आसपास वैल्यू आती है, तो इसको हम 1/3.2 लिख सकते हैं, ये जीरो कैंसिल हो गए तो 8 बाय ये वैल्यू कितनी है 1/10 की पावर हाफ 3.2 के आसपास, ये है 0.41 के आसपास, तो लगभग 40 के अराउंड इसको बोल दो और 4 से 0.4 के आसपास ये वैल्यू हो जाएगी और ये 0.4 से 0.4 ही है ना, 0.4 से 0.4 के लगभग कैंसिल हो जाएगा तो 1 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। सही है, तो कोई कैलकुलेशन दिखने में दिख रही है अजीब सी लेकिन है वो बहुत सिंपल सी, और वैसे भी यहाँ पे आंसर में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, जो अप्रोक्सीमेशन है वो चलेगा अपना, तो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका वैल्यू होगा प्लस। नेक्स्ट 41 में देखें 8 चार्ज है और यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखी है डायग्राम में शो की हुई है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है एक सर्किल पे जिसकी रेडियस दे रखी है 0.4 और कैलकुलेट करना है पोटेंशियल सेंटर पे। फिर जब ये कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो सबकी वजह से पोटेंशियल लिख के ऐड कर रहे होंगे, सभी की इससे डिस्टेंस बराबर बराबर है तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि के सबका क्यू बाय आर, सभी के लिए आर सेम है तो के बाय आर कॉमन आ जाएगा, तो ये एक तरह से पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पे। क्यों हो गया 9 × 10⁻⁹, चार्ज का सम कर दें एक बार, 7 तो कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, इसमें से 1 कैंसिल करके 2 बोल दो, 10 25 27 आ गया, 27 माइक्रो ये चार्ज आ गया, डिस्टेंस रेडियस दे रखी है 0.4 ही आ गया, तो इससे वैल्यू देखोगे तो 10⁻⁵ इस पॉइंट को भी हटा दो तो एक और ऊपर आ जाएगा +1 10 6 + 4 9 × 27/4, तो चाहो तो ये बोल दो कि ये लगभग 10 के आसपास है, इसको 10 के अराउंड बना दो, इसको 26 के अराउंड बना दो और 4 से इसको कैंसिल कर दो जितना कैंसिल हो रहा है, तो 6 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा तो लगभग 60 के आसपास ये वैल्यू आ रही है 6 × 10⁴ और वोल्ट पूछा गया तो ये आ जाएगा पावर और इधर किसका दोगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁵, 6 × 10⁵, तो ये ऑप्शन हो जाएगा।
तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शंस में डिफरेंस है तो सीधा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो, वरना 9 9 into 27 कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में 8 चार्ज वाटर ड्रॉप है, हर एक की रेडियस 1 mm है, चार्ज हर किसी पे डायरेक्ट पावर -10 कूलम है, एक सिंगल ड्रॉप बना रही है सारी मिलके, तो पोटेंशियल बड़ी वाली ड्रॉप का कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आ जाएगा के क्यू, 8 ड्रॉप है तो 8 ड्रॉप का टोटल चार्ज हो जाएगा 8 into 10^-10, इसको भी लिखी दो 9 into 10^-9 बाय आर, रेडियस 1 mm है, बड़ी ड्रॉप की रेडियस हो जाती है n^(1/3r), तो n^(1/3) आर, आर है 10^-3, तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी 8^(1/3) 2 आ जाएगा, 2 से 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 36 into, ये आएगा -1 ऊपर आया 3, तो -2 ये रह जाएगा +2, और ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट इधर किसका 3.6 into 10^3, और यूनिट क्या आ जाएगी वोल्ट, तो ये थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में देखें कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शन में है, एक चार्ज जो है 3 µC का इनिशियली रेस्ट में है ओरिजिन पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये चार्ज x=4 पे पहुंच जाएगा। ठीक है देखते हैं, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो, वर्क ऑन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो फोर्स हो गया QE, और फोर्स की डायरेक्शन में चल रहे हो तो सीधा वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी लास्ट की माइनस शुरुआत की रेस से चालू हुआ था, चार्ज यहां पर कितना है 3 µC, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 km, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो ये हो गया 8 24 into 10^-3 जूल, तो 24 10^-3 जूल 24 मिलीजूल की बराबर हो जाए। नेक्स्ट 44 पे चलते हैं, 44 में ये दे रखा है कि कुछ पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस है और 5 अलग अलग पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं एक सरफेस से दूसरे पे, तो वर्क जो है वर्क वी डू पॉजिटिव और नेगेटिव किस पाथ पे कितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं एक्सटर्नल का वर्क पूछा हुआ है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है पहले तो वो देख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जिधर डिक्रीज होता है उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है, अब इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा इधर की ओर लगेगा, फोर्स की तरफ ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क पॉजिटिव करेगा, फोर्स की तरफ ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क करेगा, एक्सटर्नल का वर्क किधर आएगा पॉजिटिव इसी तरफ एक्सटर्नल ले जाएगा। ठीक है तो एक्सटर्नल का वर्क जो आएगा वो पॉजिटिव इस तरफ ले जाने पर आएगा, तो इधर की ओर वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव, ये चीज समझ में आ गई, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ले जाना चाह रहा है लेकिन कोई एक्सटर्नल इधर खींचेगा तो उसका वर्क पॉजिटिव आएगा, तो इधर कौन कौन से में जा रहे हैं पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल का वर्क जो आएगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट आएगा टोटल वर्क का, तो इसलिए इस वाले पोजिशन से इस वाले पोजिशन तक ले गए पहले में वर्क पॉजिटिव, दूसरे में भी इधर गए पॉजिटिव, तीसरे के अंदर भी यहां से चालू कर गए यहां पे है पॉजिटिव, चौथे के अंदर यहां से इधर गए तो फोर्थ में नेगेटिव है, फाइव में इधर की ओर ही गए पॉजिटिव है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ में पॉजिटिव है फोर्थ में नेगेटिव है, थर्ड ऑप्शन अपना हो जाए। 44 के बाद 45 में देखें एक सिस्टम में 2 चार्ज है 7 µC और -2 µC, एक्सटर्नल कोई फील्ड है नहीं और ये इनकी शुरुआत की लोकेशन बता रखी है कि 9 cm पे एक -9 cm पे है एक्स एक्सिस में, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इनको इनफाइनाइट तक ले जाने में, तो देखो इनफाइनाइट तक ले जाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली तो इनफाइनाइट पे ले गए 0, इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस है -9 और 9 18 cm का, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1, Q2 माइनस करेगा माइनस यहां पे ले बाय आर स्क्वायर सॉरी आर
18 सेंटीमीटर है तो 18 इंटू 10 से पावर माइनस 2, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कैलकुलेशन 18 गया सीधा 7 और पावर देख लें केवल कितनी बच रही है, तो 2 और ऊपर आएगा, 6 और 6 12 होते हैं, 2 गया 10 माइनस का, प्लस का 9, 1 बच जाएगा माइनस, तो 0.7 जूल के बराबर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। ठीक है, 45 के बाद 46 पे चलते हैं। अगले में दे रखा है कि कोई डेटा गिवन है और वो डिपेंड कर रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद डिस्टेंस डिपेंडेंसी दे रखी है रेफरेंस पॉइंट ओ से विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और शेडेड जो रीजन है वो बताना है कि एक्चुअल में है क्या, कि स्फेयर है कि सिलेंड्रिकल, ये कोई सरफेस है कि डायपोल है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो स्फेयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिलेंड्रिकल या वायर दोनों में एक जैसा ही होता है आउटसाइड को, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर आर की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखते हैं इसमें, तो डिस्टेंस डबल करते जा रहे हैं, ए के कंपैरिजन में बी पे डिस्टेंस डबल, फिर 3 टाइम्स कर दी, तो ए के कंपैरिजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बाय 8, तो ये है 2 की पावर 3 से डिवाइड हो गया एक तरह से, और ये 2 की पावर कितना हो गया, ये सॉरी 3 की पावर 3 से डिवाइड हो गया, तो डिस्टेंस डबल कर दी, तो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, डायपोल है और वैसे ही डायपोल के बाइसेक्टर पे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आधा भी दे रखा है उतनी डिस्टेंस पे, इसका भी आधा हो रखा है, इसका भी आधा हो रखा है, तो ये सिस्टम क्या है, डायपोल। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो गिवन है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है 2C चार्ज पे जो ओरिजिन पे रखा हुआ है 0.0.0 पे रखा है। तो देखो हमें फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट अलग से निकालो, वाई अलग से, जेड अलग से, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं। अब ये चीज भी साथ साथ दिमाग में रखो कि ओरिजिन पे पूछा हुआ है तो लंबी जोड़ी कैलकुलेशन है तो वो मत करो, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 भी है पोजीशन उसकी, लेकिन शुरुआत में 0 भी नहीं रखना, कहीं बिल्कुल ही 0 रख दो शुरुआत में, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके नेगेटिव लगा देते हैं, 6x का डिफरेंशिएशन 6 माइनस का। अब आगे डिफरेंशिएशन करोगे तो y स्क्वायर है, बाद में बचेगा तो y, डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करें तो ये 0 बन जाएगा, यहां वैसे ही x नहीं है, यहां वैसे x नहीं है, यहां पे भी x नहीं है, केवल x ये बचेगा 0 पे, 0.0.0 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही y निकाल लो, y निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये तो 0 आ जाएगा y के रेस्पेक्ट में, यहां पे y का डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा लेकिन x रखना पड़ेगा बाद में 0, तो 0 बन जाएगा ये भी, यहां पे y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, -8 बन जाएगा, +8 हो गया क्योंकि डिफरेंशिएट करके माइनस लगा, ये बात समझ में आ गई। फिर यहां पे y तो है लेकिन z 0 रखना पड़ेगा बाद में, y का डिफरेंशिएशन 1, 6z बच जाएगा, z को बाद में 0 रखना है, 0 बन जाएगा, z का वैसे 0, z में देखेंगे z यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां z है लेकिन फिर y है साथ में, z का डिफरेंशिएशन 1 तो आ जाएगा z कंपोनेंट के लिए, लेकिन y 0 रखते 0 बन जाएगा, z स्क्वायर है 2z आएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन वही है फिर से z को 0 रखेंगे 0 बन जाएगा, तो EZ 0 है, साथ साथ ये पॉइंट ध्यान रखते हुए हमने सीधा वैल्यू निकाल ली, तो X कंपोनेंट 6 है, Y कंपोनेंट 8 है, तो टोटल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये 10 है, 36, 64 रूट 100 का 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 और चार्ज कितना है 2 कूलम, तो फोर्स आ गया 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का फोर्स इस पे, ठीक है। 47 के बाद 48, तो 48 देखते हैं, 48 में एक अरेंजमेंट में 3 चार्ज दे रखे हैं, क्यूब 2 क्यूब और एक्स क्यूब, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सिस्टम का 0 है, तो वैल्यू एक्स की बतानी है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे ध्यान रखना, तो उसको ऐसे अरेंज मत कर देना कि क्यूब 2 क्यूब एक्स क्यूब, आपस वाले से इक्विडिस्टेंस पे हो गए लेकिन ये कहां पे इक्विडिस्टेंस पे,
तो यहाँ पे ध्यान रखना इक्विडिस्टेंस पे कब हो सकते हैं, जब ट्राइंगल पे होंगे तभी होंगे, ऐसे ही सिचुएशन है। यहाँ पे ट्राइंगल बोला नहीं है लेकिन है वही कि एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है, तो वो तभी हो सकते हैं जब ऐसे। अब इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल जीरो लिखना है, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, हर एक का पोटेंशियल लिखते जाओ और पूरे को जोड़ के आधा कर दो इस तरह से। तो पहले का पोटेंशियल लिखा इसकी वजह से के क्यू वन क्यू टू बाय आर, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू वन क्यू टू बाय आर, इसका पोटेंशियल हो गया इन दोनों की वजह से, इसका पोटेंशियल इसकी वजह से तो लिख ही चुके हैं, इसकी वजह से लिख दो के क्यू वन क्यू टू बाय आर, सही है। सारे पेयर बना दो या तो, या सबकी पोटेंशियल लिख के आधा कर दो। हमने केवल पेयर ही बना दिए, एक दो और ये तीसरा पेयर, और सबको मिला के जीरो के बराबर कर दो। कैलकुलेशन में ज्यादातर चीजें कैंसिल हो रही है, बच रहा है x, 2x, 3x और दो उधर बच रहा है, तो 2 इक्वल्स टू माइनस 3x, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 3, ये वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 3, 48 हो गया। अगले पे चलते हैं 49 पे। 49 पे इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सिस पे रखा हुआ है, या इलेक्ट्रिक डायपोल एक विद एन एक्सिस मेक एन एंगल 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक डायपोल 30 डिग्री पर है और ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इतना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो डायपोल पे टॉर्क होता है पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा, इतना होता है टॉर्क। और अगर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी ई कॉस थीटा, वो भी 30 डिग्री है। अब यहां से टॉर्क का मैग्नीट्यूड रखा है, दे रखा है, ये यहां पे पुट कर दो वैल्यू इसकी पी ई की, तो पी ई की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क बाई साइन 30, नीचे ले जाओगे साइन 30 तो ये आ गया 1/2 टू पर कॉस 30 रूट 3/2, तो रूट 3 3 आ गया, ये आ गया 30 माइनस 5, तो माइनस 30 जूल के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में दे रखा है कि एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दो कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर पे जिनकी रेडियस आर और कैपिटल आर है, ताकि उनकी जो सरफेस डेंसिटी है वो सेम है, तो कैलकुलेट करना है उनके कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ये तो जो अंदर वाला गोला है स्मॉल आर रेडियस का उसकी वजह से, बड़े वाले की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के बड़े वाले का चार्ज डिवाइड बाय आर, ये पोटेंशियल हमें ऐड करना है। लेकिन चार्जेस क्यू वन क्यू टू को डिवाइड करके बोल रखा है, तो टोटल चार्ज क्यू है, चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर है, चार्ज डेंसिटी अगर बराबर है दोनों की, एक मिनट, चार्ज डेंसिटी बराबर है तो चार्ज लिखेंगे क्यू बराबर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो क्यू वन और क्यू टू का रेशियो आएगा आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर, सही है। तो यहां से क्यू वन को लिख दूं तो टोटल चार्ज क्यू को उस रेशियो में डिवाइड करना है, मैं आर वन आर टू लिख रहा हूं, बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देंगे। तो ये पहले पे चार्ज आ गया के क्यू रेडियस के इनवर्स रेशियो सॉरी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो क्यू वन ये आ गया कि टोटल चार्ज क्यू को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो टोटल क्यू डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन, और क्यू वन के पास आर वन रेशियो जा रहा है आर वन स्क्वायर, वो लिखा हुआ डिवाइड बाय आर वन प्लस के क्यू टू टोटल चार्ज क्यू को डिवाइड कर दिया आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर के रेशियो में, और दूसरे के पास रेशियो कौन सा जा रहा है आर टू स्क्वायर का, तो ये तो लिखा हुआ है के क्यू बाय आर टू लिया हुआ है, तो आर वन यहां से गया आर टू यहां से गया, कॉमन आ जाएगा के क्यू बाय आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर और आर वन प्लस आर टू, तो ये यहां पे इनका पोटेंशियल आ गया एक क्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा के क्यू आर वन आर टू, ये हो जाएगा थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर अपना करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। 51 में दे रखा है कि तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है मेटेलिक ए बी सी, उनकी रेडियस ए बी सी बताई रखी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ए और सी का पोटेंशियल सेम है, तो देखें ए बी सी सिग्मा किसका है, सबसे छोटे वाले का, फिर माइनस सिग्मा, फिर सिग्मा,
तो चार्ज क्या लिख पाएंगे, चार्ज क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से लिख देंगे, ये भी रेडियस होगी उसके हिसाब से। तो हमें क्या बोल रखा है कि पोटेंशियल सबसे अंदर वाले का सबसे बाहर वाले का बराबर है, तो अंदर वाले का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इसकी वजह से भी पोटेंशियल, इसकी वजह से भी, खुद की वजह से, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल सभी की वजह से लिखना है, बाहर वाले भी सभी की वजह से, तो अंदर सभी की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, तो खुद की वजह से तो आ गया के क्यू, यही है क्यू बाय आर, इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल वही आएगा जो सरफेस पे, गोले के अंदर पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही होता है, तो माइनस चार्ज डेंसिटी थी इसलिए के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी, तीसरे वाले की वजह से प्लस चार्ज डेंसिटी है तो के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी, और ये किसके बराबर बोल रखा है, बाहर वाले के बराबर, तो बाहर वाले पे पोटेंशियल लिखेंगे, अंदर वाले की वजह से बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर, ऐसे ही दूसरे की वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय सरफेस, तो सभी के लिए सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल सी डिस्टेंस है तो स्मॉल सी लिखा, अब सब में देखोगे तो के सिग्मा 4 पाई तो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ए स्क्वायर, ए कट गया, ए माइनस बी प्लस सी, इधर वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में सब में सी नीचे कॉमन है, और इस साइड बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, सही है, सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, यहां से हटा दिया, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी के साथ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, और इधर क्या है ए माइनस बी इंटू सी, तो ए माइनस बी कट गया तो सी बराबर ए प्लस बी, तो सी बराबर ए प्लस बी के बराबर है, सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है, तो 51 का आ जाएगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52। इसमें दे रखा है कि नॉन कंडक्टिंग एक स्ट्रेट रॉड है, यूनिफॉर्म चार्ज है मैग्नीट्यूड प्लस क्यू का और दूसरे हाफ पे है माइनस क्यू का, अब बोल रखा है कि रॉड की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो पॉजिटिव की वजह से होता है अवेग, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कुल मिला के तो इधर ही कुछ आ रहा होगा, नेगेटिव की वजह से होता है टुवर्ड्स द चार्ज, और दोनों की वजह से रिजल्टेंट बराबर बराबर है दोनों चार्ज, तो कुल मिला के रिजल्टेंट नीचे की ओर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। 52 के बाद अगला 53 डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखोगे तो आगे बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रही होती है, तो डिक्रीज विद डिस्टेंस, सिंपल सा क्वेश्चन था 53। आगे बढ़ते हैं 54 पे, 54 एक ग्राफ दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स पोटेंशियल या पोटेंशियल का, तो इसमें बताना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनसीईआरटी का सीधा सा ग्राफ है, तो यहां पे हमें बताना है कि इस वाले पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर स्लोप देख लो और स्लोप से कंपेयर कर लो कि इनमें क्या रिलेशन है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्लोप निकालना है आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको ऐसे समझो कि आर की पावर माइनस टू है, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस टू आगे आएगा नीचे आर क्यूब रह जाएगा माइनस वन, तो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, ये होता है डिफरेंशिएट करेंगे माइनस एक आगे आएगा पावर हो जाएगी माइनस टू, तो उसको माइनस टू नीचे लिख दिया ये आएगा, हम एक्स बराबर एक पे चेक कर लेते हैं दोनों को, तो ये तो एक रख दिया, तो कंपैरिजन सीधा सीधा किसके साथ हो जाएगा, इस नंबर के साथ, बाकी सारी चीजें सेम है, यहां पे टू और यहां पे वन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज्यादा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ का, और पोटेंशियल वाले ग्राफ का स्लोप कम आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा स्लोप यहां पे नेगेटिव में, ए इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, बी पोटेंशियल को बता रहा है, ठीक है, बी को बता रहा है, तो ई और वी का ग्राफ दे रखा था, कंपेयर करना था, अगर एनसीईआरटी देखी हुई है तो सीधा ग्राफ तुम्हें पता होगा कि इस तरह का एक ग्राफ है उसके अंदर। 55 पे आते हैं, 55 में Q और P पॉइंट दो पॉइंट दे रखे हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P की तरफ ले जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स से दूर लग रहा था,
फोर्स से लग रहा था, फोर्स के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे, तो किसका वर्क पूछा हुआ है? फील्ड का वर्क पूछा है, एक्सटर्नल का। फोर्स इधर लग रहा है, जा उल्टी डायरेक्शन में रहे, तो फील्ड के फोर्स के अपोजिट, तो फील्ड का वर्क तो क्या जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? और एक्सटर्नल उसके अगेंस्ट खींच के ले जा रहा है, फोर्स उधर लग रहा है उसके अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल को तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल का पॉजिटिव। तो पहले फील्ड का पूछा हुआ है नेगेटिव, फिर एक्सटर्नल का पॉजिटिव, तो 55 में आ जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 56। एक चार्ज जो है वो कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक्सिस से और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो फोर्स 16 न्यूटन फील कर रहे हैं। अब चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा? तो सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स क्या करना है, चार्ज से तो मल्टीप्लाई करना है एक्स्ट्रा, तो डिस्टेंस अगर डबल कर देंगे, यहां पे डबल कर दिया तो 2 की पावर 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा एक तरह से, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा फोर्स, डिस्टेंस डबल करते तो 8 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 न्यूटन के बराबर फोर्स आ जाएगा। 56 के बाद 57 में देखें कि चार चार्जेस दे रखे हैं प्लस क्यू के और एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैग्नीट्यूड, एक चार्ज को बताना है कितना सेंटर पे रखे हैं इसका, तो एक चार्ज को कितना मैग्नीट्यूड का किस साइन का रखेंगे, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो यहां पर कोई भी एक चार्ज उठा लो, क्योंकि अगर एक कोई भी चार्ज रेस्ट में रह गया तो सारे अपने आप रेस्ट में रह जाएंगे, सेंटर वाला तो अपने आप ही रेस्ट में, क्योंकि सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो था, तो वो तो वैसे ही रुका हुआ, तो उसको चेक करना ही नहीं है, किसी भी एक को चेक कर लो। तो देखते हैं, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर, और इस वाले की वजह से फोर्स इधर। अब अगर इसका भी फोर्स इधर ही आ गया तब तो फिर बैलेंस कैसे होगा? तो इसका फोर्स किधर आना चाहिए? खींचना चाहिए वापस। इसका मतलब ये चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पे है, यहां पे है नेगेटिव। अब वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, तो मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं फोर्स का, यहां पे ये बराबर बराबर है फोर्स, तो इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट आ जाएगा एफ रूट टू टाइम्स बोल दूं, और ये एक है एफ डैश बोल देता हूं उसको, तो उस तरफ नेट फोर्स आ रखा है एफ रूट टू किसी एक का फोर्स, डिस्टेंस ए मान लेते हैं, इसका रूट टू, इस वाले की वैसे डिस्टेंस है रूट टू है, तो क्या के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का स्क्वायर, पास में इसकी वजह से फोर्स ये हो गया दूर की तरफ, डिस्टेंस हो गई रूट टू है, तो सबका मिला के फोर्स इधर की तरफ आ गया, और ये ऐड करके रखा हुआ, और ये इस वाले के फोर्स के बराबर होना चाहिए के क्यू क्यू बाय ये डिस्टेंस है a बाय रूट टू का स्क्वायर। तो देखें के क्यू ये सारे तो कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया पूरा, यहां पे वैल्यू रह गई बाई रूट टू, जो आ जाएगा स्क्वायर करने पर 2, ऊपर पहुंच जाएगा 2q इक्वल्स टू क्यू रूट टू, और यहां पे आ गया प्लस क्यू बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्यू कॉमन ले लो बाय 2 भी कॉमन ले लो, और एक और 2 आएगा 4, और अंदर रह जाएगा 2 कॉमन लेने पर 2√2 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सेकंड सही। 57 के बाद 58 में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है 20 यूनिट के वाई जेड वाले प्लेन से। अगर प्लेन वाई जेड है तो उसका एरिया वेक्टर हो गया फिर एक्स में, ये बात समझ में आ गई? अगर एरिया वेक्टर एक्स में है तो इसके साथ जब डॉट करेंगे तो डॉट करने पर केवल एक्स वाला टर्म का डॉट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, ई डॉट ए लिखना है, तो E डॉट A करेंगे तो 6x यूनिट पर इसका 20 120 यूनिट के बराबर आ जाएगा प्लस, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो 120 यूनिट ये आ जाएगा। 58 के बाद 59 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली थ्रू एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r, एक सिलेंडर पे यूनिफॉर्मली चार्ज था r रेडियस का है, E इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है डिस्टेंस r पे फ्रॉम द सिलेंडर एक्सिस, और स्मॉल आर डिस्टेंस जो है वो एक्सेस डिस्टेंस थी वो कम है कैपिटल आर से, इसका मतलब इनसाइड बोल जाता है, इनसाइड इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू भी गिवन है, देखो रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता ही, अब रो चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, तो ये रिजल्ट पता होगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद ऐसे रहा होगा कि 2k λr, तो वही लिखा हुआ 2k λr। अब इसमें बोल रखा है कि यहां पे अगर E की वैल्यू ये है, E की वैल्यू ये है, सॉरी यहां पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूछा हुआ है, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी की वैल्यू पूछी है, लेकिन क्या है कि लैम्डा नहीं पूछा हुआ है, आर इसमें रो के टर्म में पूछा हुआ है। एक तो डायमेंशनली सीधा सीधा चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन नहीं देखनी है। देखो यहां पे चार्ज का टर्म ही नहीं है, वैसे हट गया, यहां पे भी चार्ज का टर्म नहीं है, वैसे हट गया, आर और आर डायमेंशनल से गया, तो ये लिखा हुआ है चार्ज अपॉन वॉल्यूम बाय क्यू बाय आर क्यूब, क्यू बाय आर क्यूब तो होता नहीं है, क्यू बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। यहां देखोगे तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम में आर क्यूब एक आर फोर कैंसिल होगा, तो ये क्यू बाय आर स्क्वायर की डायमेंशन, तो डायमेंशन से सीधा लिख सकते हो। सेकंड फिर भी लिख लेते हैं, रो लिखते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया और इनटू लेंथ, और चार्ज अपॉन लेंथ को क्या बोल सकते हैं लैम्डा पाई आर स्क्वायर, तो लैम्डा की जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर रो, यहां पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर स्क्वायर रो रखेंगे पाई कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा आर स्क्वायर रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, लिख लेते हैं यही मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, रिजल्ट में वैल्यू पुट कर सकते हो लैम्डा और रो में रिलेशन के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दे रखा है कि कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर की तरफ होता है, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये चीज समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब या तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आर, वो डिस्टेंस आ जाएगी 10 sin 30 सेंटीमीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड केवल चेक कर रहा हूं, डेल्टा वी यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल में डिफरेंस आया 10 का, और डेल्टा आर यहां से कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 200 वोल्ट पर मीटर, तो 200 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। 61 क्वेश्चन नंबर 61 में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल है, रेडियस R1 R2 है, आउटर शेल पे चार्ज Q है, इनर शेल ग्राउंडेड है, तो चार्ज कितना होगा। तो देखो ग्राउंडेड करने का मतलब वहां का पोटेंशियल कितना कर दिया 0, इनर R1 R2 आउटर, बाहर वाले पे चार्ज Q, इसको ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड करने का मतलब इसका पोटेंशियल 0 कर दो, लिख दो पोटेंशियल, यहां पे चार्ज मान लो Q डैश, तो यहां का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, खुद का भी लिखेंगे, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी लिखना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सभी की वजह से लिख के ऐड करोगे, तो खुद की वजह से पोटेंशियल हुआ के क्यू बाय आर, इसकी वजह से इनसाइड पोटेंशियल जितना होता है सरफेस पे उसी के बराबर के क्यू बाय सरफेस पे आर टू, और पोटेंशियल 0 के बराबर, क्यू के कैंसिल हो जाएगा, क्यू डैश आ जाएगा माइनस क्यू बाय आर टू आर वन इधर, तो इतना चार्ज ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी सेकेंड्स में। 61 के बाद अगले पे चलते हैं 62 में 3 पॉइंट चार्ज है 1, 2 और 3 के, और कॉर्नर पे रखे एक ट्रायंगल के, और साइड 1 मीटर की है, वर्क कितना करना पड़ेगा अगर इसको कॉर्नर पे ले गए स्मॉल ट्रायंगल जिसकी साइड 0.5 है उस पे, ठीक। तो क्या बोल रखा है कि 1 मीटर की साइड पे सारे चार्ज थे, यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सेम वैसे ही करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जहां पे भी पहले 1 लिखना है बाद में 0.5 लिख देना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं कि इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी वजह से, फिर इनका, तो सारे इंटरेक्शन लेना है, के सब में बाहर आ जाएगा 1 2
टू आ जाएगा, टू थ्री सिक्स आ जाएगा, तीन और ये मिला के थ्री आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू टू क्यू थ्री बाय आर, के क्यू थ्री क्यू वन बाय आर। आर सब में कॉमन है इसलिए नीचे लिख दिया 0.5, बाद की पोटेंशियल लिख रहा हूं। और पहले में यहां पे क्या लिख देना है 0.1, तो 0.5 को 1 बाय 2 करके 2 पर लिख दो, और बाद में क्या आएगी सेम वैल्यू माइनस के साथ, तो 2 प्लस 6 प्लस 3 और 1। समझ में आ गई बात। अब ये डिफरेंस लेंगे तो 1 रह जाएगा, 6 9 11 इंटू 9 99 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अब डिस्टेंस किसमें दी, इसी तरह की है, तो ये वैल्यू आ गई 9.9 इंटू 10 टू पावर 10 जूल की बराबर। तो इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल, 62 हो गया, 63 में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अगर चार्ज गेन बाय अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज इनिशियली प्रेजेंट, तो ये क्या बोल रखा है कि अगर कोई अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं तो उसमें जो चार्ज होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से बोल रखा है। तो ये जरूरी नहीं है, ये तब डिवाइड होता है जब दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो तब कनेक्ट किया हो। जबकि यहां पे ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि पहले अंदर वाले को पूरा चार्ज दे दो, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में, और इनको कनेक्ट कर दो, तो पूरा का पूरा चार्ज भी बाहर चला जाता है। ठीक है, वेंडिग्राफ जनरेटर कई रिजल्ट रहता भी। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट गलत है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज विद द इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो जो चार्ज है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, टाइम डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो ये गलत है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर और थ्रू द मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो चार्ज अगर है तो साथ साथ कुछ मैटर भी होगा, क्योंकि जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है, प्रोटॉन पे चार्ज है तो उस पर भी मास है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ क्या बोल रखा है, बिटवीन टू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो अपना थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में दो इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू फिक्स है किसी एक पोजिशन पे, 0, a 0, a वाई एक्सिस पे है, एक यहां पर है, एक यहां बोल रखा है, सही है, उल्टा लिख दिया है ये प्लस है। अब माइनस क्यू चार्ज से दोनों, अब क्या बोल रखा है कि एक प्लस क्यू चार्ज को यहां से छोड़ दिया 2a से, ये से छोड़ा हुआ प्लस क्यू को, तो क्या होगा जैसे ही यहां से प्लस क्यू को छोड़ोगे तो ये दोनों खींचेंगे इसको पकड़ के, खींचेंगे तो इधर भागेगा, इधर भागेगा तो ये यहां से क्रॉस करते हुए आगे तक जाएगा, लेकिन जैसे इधर जाएगा फिर अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये इसको फिर वापस खींचेंगे, तो इस तरह से ऑसिलेट करवाएंगे इसको। तो ऑसिलेट तो करेगा, दोलन तो करेगा, लेकिन SHM है कि नहीं है, तो SHM के लिए कंडीशन है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आई, खींचना तो चाहिए ही एक्स के प्रोपोर्शनल और आना चाहिए। तो यहां पे ये क्या बोल सकते हैं, एक तरह से रिंग की जैसे बोल सकते हो, दो चार्जेस हो तो इसकी वजह से यहां पे फोर्स कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स मतलब ये 2 था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स केवल एक्स के प्रोपोर्शनल ही है, यहां पे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी है, तो ये वाली कंडीशन नहीं है, तो SHM नहीं है, ऑसिलेट जरूर करेगा, तो वेलोसिटी मेन पोजीशन पे जीरो नहीं होगी, ओरिजिन पे इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, SHM नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा। 65 पे आते हैं, 65 में दो पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक फोर्स एफ लगा रहे हैं एक दूसरे पर एयर के अंदर, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल आर, क्या डिस्टेंस बदल दी है, जब इनपे इनके बीच में जो फोर्स है वो 4F हो जाए और एक डायलैक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है। तो देखो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डायलैक्ट्रिक मीडियम में रखते पहले तो फोर्स बाई की हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस भी चेंज की हुई है ताकि फोर्स 4F हो जाए, तो पहले वाला एफ लिख देता हूं, ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हो गया क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब फोर्स बोल रखा है 4F हो जाए, 1/4πε0 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे आ जाएगा 16, क्यू वन क्यू टू और डिस्टेंस कुछ आर स्क्वायर हो गई, सही है, रेशियो ले लो
वन बाई फोर, इधर ये भी कैंसिल हो गया, f भी कट गया था, q1 q2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और यहां पे 16 इसके डिवाइड में था, 16 ऊपर पहुंच गया, ठीक है, इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से ये हो गया r by रूट भी ले लो साथ साथ, दो चार, तो r by 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां, तो r by 8 पे रखेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स होगा डायलैक्ट्रिक मीडियम में रखने पर। 66 पे चलते हैं, 66 में यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और वर्क जो किया है चार्ज को 0.2 कूलम को 2 मीटर डिस्टेंस पे स्लोली अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड था लेकिन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे उसको लेके गए, 4 जूल का वर्क हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो पूछा हुआ है, तो देखो वर्क क्या लिखेंगे, W बराबर एफ एस, एंगल पे फोर्स कांस्टेंट है, एंगल पे एफ एस कॉस थीटा लिख दिया, ये दे रखा है। वर्क की वैल्यू दे रखी है 4 जूल, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.2, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, कॉस 60, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर, कॉस 60 हो गया 1/2, ये कैंसिल हुआ 0.2 से 0.1 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई यहां से 20 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 66 में। 67 में चलते हैं, 67 में हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, एक सिंपल पेंडुलम है, सीधा सीधा रिजल्ट है कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, और इसमें जी इफेक्टिव क्या होता है कि इस तरह की कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, क्यू इधर लगेगा एम जी इधर लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, ये फोर्स, फोर्स बाय मास करोगे g इफेक्टिव है, इसी को बोल रहे हैं, तो g इफेक्टिव आ जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m, q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m स्क्वायर, रूट के अंदर ही ले गए तो, और इधर g स्क्वायर, तो ये टाइम पीरियड इसका आ जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, 68 में बोल रखा है कि चार्ज 2q और माइनस q जैसे शो किया हुआ वैसे रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां पे होगी, तो देखो दोनों के बीच में देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ नेगेटिव की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज दोनों की वजह से ऐड होगा, जीरो नहीं आएगा। इधर पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, नेगेटिव की वजह से चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो आ गया लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पास है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो कैंसिल होके जीरो नहीं आ सकता। इधर वाले पॉइंट पे देखेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज का अवे, अपोजिट तो आ गया, वैल्यू वाइज भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज छोटा चार्ज पास में है बड़ा चार्ज दूर है, इफेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो माइनस क्यू के लेफ्ट साइड में समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, तो 68 का सेकेंड और कोई ऑप्शन, ठीक है ये हो जाएगा। अब 68 के बाद बाइसेक्टर पे होगा नहीं, इसमें बाइसेक्टर बोल रखा था, बाइसेक्टर पे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। 69 इसमें बोल रखा है कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अंदर होता है रो r / 3 एप्सिलॉन नॉट proportional to r, outside electric field होता है k q by r square, r square के inversely proportional, तो inside तो बढ़ना चाहिए, increase as increase r, r अगर छोटा है तो सही तो लग रहा है पहला, आगे भी देख लेते, decrease as r increase from 0 to infinite, तो ऐसा नहीं है, अंदर वाले range में अलग है बाहर वाले range में अलग है, increase as r increase r to infinite जबकि decrease होता है, डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, जितना यहां से कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अंदर से कैपिटल आर रखे और बाहर से कैपिटल आर रखे बराबर बराबर ही आता है, तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है। 69 के बाद 70 में बोल रखा है कि कुछ चार्ज रखे हुए हैं स्क्वायर पे कॉर्नर्स पे, पोटेंशियल जीरो कहां कहां होगा, तो देखो चार्ज तो टोटल मिला के जीरो दिख भी रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मिला के जीरो पोटेंशियल भी आ सकता है किसी ना किसी पॉइंट पे, तो देखते हैं कहां कहां हो सकता है, एबीसीडी पॉइंट पे दे रखे हैं तो इस पॉइंट को देखते हैं एक बार, पॉजिटिव की वजह से जितना पोटेंशियल, इस नेगेटिव की वजह से भी उतना,
फील्ड नहीं पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, तो इन दोनों का जीरो। इसकी वजह से जितना पॉजिटिव इसकी वजह से उतना नेगेटिव, जीरो। तो ए पे मिल जाएगा। बी जितना इसका पॉजिटिव उतना इसका नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बी पे भी मिल जाएगा। सी पे जितना इसकी वजह से पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना इसका पॉजिटिव उतना नेगेटिव, डिस्टेंस बराबर है ना, तो जीरो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन तीनों पे तो है। पी पे पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो गया, नेगेटिव नेगेटिव दूर है, कम होगा, टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा पास, पॉजिटिव ज्यादा दूर, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल। तो इन दोनों पे नहीं है, इन तीनों पे है, ए बी और सी पे। तो ए बी और सी सेम पोटेंशियल है, वहां पे जीरो पोटेंशियल है। 71 एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, पोटेंशियल V एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, ठीक है, शेल है, तो शेल के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, और बाहर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो इनसाइड पोटेंशियल V दे रखा है, तो V वो 5 सेंटीमीटर पे दे रखा है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, ये सरफेस के बराबर ही है। तो ये के क्यूब बाय रेडियस है 10 यूनिट जो भी होगी। अब 15 भी पूछा हुआ है, तो आउटसाइड पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो आउटसाइड पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर 15। रेशियो लोगे तो वी बाई बी डैश बराबर 15 ऊपर 10 नीचे 3/2, तो वी डैश बराबर आ जाएगा 2/3 भी, वी डैश बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72। 72 में दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा, वो पूछा हुआ है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कोई भी ऑर्बिट पाथ से ले जाओ, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना जा रहा है उससे लिख सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ए डॉट डी आर करके लिखना था, लेकिन सीधा इंटू डी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, ई डी के बराबर। तो यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, B के बराबर, तो ये ED के बराबर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और ज्यादा कहां पे होगा, C पे या B पे और माइनस, तो ये पोटेंशियल इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ED के बराबर पोटेंशियल आ जाएगा 72 के अंदर। 73 में एक पार्टिकल चार्ज Q है, मास M है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस V से मूव किया, रेस से स्टार्ट किया था, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, देखो अगर एक्सेलरेट हुआ है वो, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस से उसने एनर्जी गेन की है, तो Q इंटू वी के बराबर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, क्योंकि पहले का पोटेंशियल कितना था, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, Q इंटू वी के बराबर मिल गया, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, इनिशियली रेस्ट में था जीरो, तो मोमेंटम की वैल्यू आ गई 2m qv का, इतना मोमेंटम इसका आ जाएगा 2m qv हो जाएगा। थर्ड 73 के बाद 74 पे आते हैं। 74 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए तो रेफरेंस की जरूरत होती है। हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तब किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं के क्यू बाई आर। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो उसमें इनफाइनाइट की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, पोटेंशियल लिख सकते हैं। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन का नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का। तो यहां पर यह चीज भी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो पोटेंशियल किसी पॉइंट का रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी किसी चार्ज स्फीयर की, सेल्फ एनर्जी डिपेंड करेगी, रेफरेंस कहां है, तो कौन सा डिपेंड नहीं करेगा, तो ये डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड हो जाएगा। 75 में पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ दे रखा है। अब पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल्स टू 5 पे कितना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू माइनस dv / dr, अगर सही से स्लोप के साथ ही लिखे मैग्नीट्यूड केवल या चेंज को स्मॉल या कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं तब तक, तो एक बार सो माइनस डी वी बाई डी आर 5 पे पूछा हुआ है, तो 5 पे ये स्लोप होगा, स्लोप क्या है नेगेटिव, तो स्लोप खुद नेगेटिव, एक और नेगेटिव लगा रखा तो पॉजिटिव हो गया, तो पहला तो पॉजिटिव आना चाहिए,
और इसका स्लोप कितना निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, हाइट है 5 की, बेस है 2 का, तो 2.5, और यूनिट क्या रह जाएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव का 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 75 के बाद अगला 76 पे चलते हैं। 76 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस -1 से +1। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने पर पोटेंशियल इतना डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो एक्स में इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक गए, मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर से भाई, तो पोटेंशियल 120 से 80 गया, 40 का डिक्रीमेंट हुआ। कितने डिस्टेंस पे, -1 से +1 2 सेंटीमीटर पे, तो ये आ गया 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जरा देखो ऑप्शन में क्या होता है, मस्ट बी इक्वल टू इतना, मे बी इक्वल टू, मस्ट बी, मे बी, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे पूछा हुआ। तो जरा देखो यहां पे बोल रखा है कि एक्स एक्सिस पे जाने पे इतना है, तो यहां पे एक्चुअल में तो हमने डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स लिखा है, अपन ने केवल एक्स कॉम्पोनेंट कैलकुलेट किया है, वाई जेड की बात ही नहीं की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में इतना है तो वाई में कुछ भी हुआ, जेड में कुछ भी हुआ तो इससे ज्यादा ही आएगा, अगर नहीं हुआ तो 20 के बराबर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 20 या 20 से ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ गई, तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, मस्ट बी इक्वल टू, गलत है, मे बी इक्वल टू, हाँ हो सकता है, दो में जीरो, तो मस्ट बी ग्रेटर देन, तो इक्वल भी तो हो सकता है, ठीक है, तो ग्रेटर नहीं इक्वल भी पॉसिबल है, मे बी लेस देन, तो लेस देन तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मे बी इक्वल टू 20। 77 पे पहुंचते हैं, 77 में एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल कैसे पे रखा हुआ हो, इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं आ सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाए चाहे से डायरेक्शन अलग हो जाएगी, डायरेक्शन वाइज सेम हो गया तो मैग्नीट्यूड वाइज अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर बराबर डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग लगाएगी, इसी लाइन पे आगे पहुंच जाओगे तो मैग्नीट्यूड अलग अलग मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट पर बराबर नहीं हो सकता, या तो डायरेक्शन वाइज डिफरेंट हो जाएगा या मैग्नीट्यूड वाइज या दोनों ही। तो अगर किसी डायपोल के दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो फोर्स एक चार्ज पे लिखा, दूसरे चार्ज पे लिखा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं है तो ये कैंसिल होकर जीरो आ ही नहीं सकता, तो फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता किसी कंडीशन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, गलत है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी जीरो, तो ये भी गलत है, हो ही नहीं सकता, कंडीशन ही नहीं हो सकती। तो द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, बोला है टॉर्क तो जीरो हो भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा कैसे रखा हुआ है, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो, तो पॉसिबल हो सकता है जीरो हो जाए, कैसे जीरो हो सकता है कि डायपोल को ऐसे रख दिया, एक इधर फोर्स लगा रहा है एक इधर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी पैरेलल हो गए, जीरो आ जाएगा टॉर्क, तो फोर्थ हो जाएगा। 78 में यहां पे चार्ज क्यू जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है और सेकंड चार्ज क्यू जो है इनमें से किसी एक प्लेस पे रखा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पे सेकंड चार्ज की कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस हेमिस्फीयर से वैसा का वैसा रहेगा, वो देखें यहां पे इसके किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख के फिर पोटेंशियल फ्लक्स लिखना चाहें तो फ्लक्स लिख देंगे ई पूरे की वजह से, दो चार्ज है ना, एक तो सेंटर पे ही एक कोई बाहर वाला है, ये लिख सकता हूं फ्लक्स। अब यहां पे ये एक तरह से ये भी तो दिख रहा है कि हम अकेले क्यू की वजह से फ्लक्स अलग लिख देते और अकेले कैपिटल क्यू की वजह से फ्लक्स अलग लिख देते और जोड़ देते दोनों को, ये तो दिख रहा है, तो अकेले क्यू की वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी जा रहा था वो तो है बैलेंस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज तब नहीं होगा जब इसका फ्लक्स जीरो होगा, और इसका फ्लक्स जीरो कब होगा, कोई भी लाइन एंटर कर रही है तो बाहर भी निकलनी चाहिए, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स नॉन जीरो, फ्लक्स नॉन जीरो, कोई लाइन एक बार ही कटेगी
इसमें कोई भी लाइन देखोगे तो दो बार कटिंग या तो टेंजेंट ही होगी, तो इसमें तो कुछ नहीं है, एंटर करेगी तो बाहर निकलेगी या एंटर ही नहीं करेगी, तो इन दोनों पे फ्लक्स जीरो आएगा, बाकी किसी पे फ्लक्स जीरो आएगा नहीं, तो कौन से हो गए ए और सी पे जीरो हो जाएगा। 79 पे आते हैं, 79 में बोल रखा है कि एक फिगर में रखा डायग्राम ए, डायग्राम ए में इमेजिनरी क्यूब है, साइड लेंथ एल बाई टू है, एक यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है एल लेंथ की, इसको लेफ्ट से राइट में बट कांस्टेंट वेलोसिटी से लेते जा रहा है, टी बराबर जीरो पर जस्ट ये टच कर रहा है कॉर्नर, और इनमें से कौन सा ग्राफ बी में इसके फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो तो बंद सरफेस से फ्लक्स होगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, अभी कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है क्योंकि रॉड बाहर है, जैसे ही अंदर की ओर खिसकाएंगे कुछ चार्ज अंदर आएगा, अंदर चार्ज आएगा फ्लक्स बढ़ेगा, और अंदर आएगा और चार्ज बढ़ेगा, जब तक रॉड इसके अंदर इस वाली कंडीशन तक नहीं आ जाती तब तक तो चार्ज बढ़ता ही जा रहा था, और जैसे इसके बाद रॉड की सिचुएशन ये बनेगी, अब चार्ज फिक्स हो गया थोड़े टाइम के लिए, और जैसे ही इस रॉड की ये वाली सिचुएशन बनेगी तब तक चार्ज फिक्स है, इसके बाद फिर चार्ज कम होने लग जाएगा, जैसे जैसे रॉड बाहर की ओर निकलने लगेगी तो पहले फ्लक्स बढ़ेगा उस टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 में देखो, यहां पे क्या दे रखा है कि दो लार्ज सिलेंडर है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लस लैम्डा दे रखा है, माइनस लैम्डा दे रखा है, इनर की रेडियस ए है, आउटर की रेडियस बी दे रखी है, चार्ज पार्टिकल मास एम, चार्ज क्यू का रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर रेडियस आर में, स्पीड वी है, ग्रेविटी लेनी नहीं है, और लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस कर। तो देखो कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी वजह से तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, केवल इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही हो जाता है जैसे रॉड की वजह से होता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है फोर्स ई हो गया, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गया। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा ही है कि एक रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट और यूज कर लिया है, तो क्योंकि मिक्स होके आते हैं इस वाले चैप्टर से काफी क्वेश्चन आता है, तो कई बार मिक्स होके भी आते हैं, तो उस वाले पार्ट को हमने कवर किया। तो आर तो कैंसिल हो गया, पूछा क्या है इसकी स्पीड, तो स्पीड हो जाएगी लैम्डा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम का रूट। तो लंबा थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 पे पॉजिटिव चार्ज क्यू नियर ए न्यूट्रल मेटेलिक क्यूब, तो एक मेटेलिक क्यूब के पास एक नेगेटिव चार्ज को लेके गए, पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके सामने वाले सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव, नॉन यूनिफॉर्म होगा, जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो, और दूसरे वाले सरफेस की तरफ निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर तो कुछ नहीं आना है, तो क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, टोटल मिला के न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा जब तक कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आ जाए, कंडक्शन नहीं हो जाए तब तक। क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, गलत है, इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली, तो अंदर तो आया नहीं चार्ज, सरफेस बिकम नेगेटिव, तो इंटरनल पार्ट जो है वहां पे कोई चार्ज नहीं आएगा, वो सरफेस सरफेस पे है, ये वैसे गलत है, इंटीरियर बिकम्स न्यूट्रल, रिमेन न्यूट्रल सही है, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। 81 के बाद 82, 82 में ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि दो स्मॉल कंडक्टर ए और बी है, चार्ज Q1 Q2 दे रखा है, अब इनसाइड एक होलोमेटेलिक कंडक्टर सी के अंदर रख दिया है, चार्ज इस पे क्यू था, और तीनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें ए बी सी पे चार्ज क्या होगा, तो देखो अंदर रखा हुआ है, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का मतलब पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल बराबर, तो अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, सही है, तो कहीं से भी एक जगह से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी जगह नहीं जा सकती, किधर भी मान लो कैसे भी ले जाओ नहीं जा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह आए तो पोटेंशियल डिफरेंस बना, और हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल तो सेम है ना हर जगह, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए अंदर किसी पे चार्ज भी नहीं होना, पूरा पूरा चार्ज आउटर पे चला जाएगा, तो इनर पे चार्ज दोनों पे जीरो, आउटर पे पूरा चार्ज हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 83 पे चलते हैं। 83 में यहां पर एक कंडक्टिंग स्फेयर है, अनचार्ज्ड है,
एक पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे रख दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया तो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पूछा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, कुछ हो सकता है अंदर आए कुछ बाहर आए, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अंदर पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी पॉजिटिव, विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, 84 पे चलते हैं। 84 में पांच बॉल्स दे रखी है, एक से पांच तक नंबर दे रखे हैं, और ये बता रखा है कि इनमें थ्रेड से जब लटकाया तो ये वाले पेयर जो है वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, और 2 और 3 जो है और 4 और 5 वो रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो रिपल्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन है, इसका मतलब जो चार्ज 2 पे है वो ही नेचर का चार्ज 3 पे है, मान लेते हैं पॉजिटिव। 4 पे जो चार्ज है उसी नेचर का चार्ज 5 पे है, नेगेटिव मान लेते हैं, हो सकता है पॉजिटिव भी हो, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, ये एक 1 2 को देखते हैं, 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन तभी होगा जब अपोजिट नेचर के होंगे, तो इसलिए इन दोनों को पॉजिटिव मान लें, ये दोनों नेगेटिव है। अब 1 का देखो, 1 2 के साथ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन शो कर रहा है इसके साथ, 1 4 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो दोनों के साथ अट्रैक्शन चार्ज होता तो नहीं करता, तो कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसपे चार्ज इंड्यूस हो गया जिसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन शो कर रहा है, तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, नेगेटिवली चार्ज नहीं है, मेड ऑफ मेटल जरूरी नहीं है, नॉन मेटेलिक के अंदर भी चार्ज इंड्यूस होता है, उसको हम बोल देते हैं डाइपोल जनरेट हो गए, पोलराइज हो गया मीडियम, तो पोलराइज होने की वजह से भी अट्रैक्शन रिपल्शन शो होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि केवल मेटल का बना हुआ है, लेकिन न्यूट्रल जरूर है। ठीक है, 84 के बाद 85 पे द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क इज ई। अब नॉन कंडक्टिंग डिस्क को रिप्लेस कर दिया कंडक्टिंग डिस्क से, चार्ज सेम रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पॉइंट पे, नियर पॉइंट, तो डिस्क के पास वाले पॉइंट के लिए वो एक तरह से शीट की जैसे काम करेगी, और अगर कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज के टर्म में देखोगे तो कंडक्टिंग में चार्ज दोनों सरफेस पे होता है तो सिग्मा लिखेंगे क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। नॉन कंडक्टिंग है तो पूरी लेयर के अंदर चार्ज कंसीडर करते हैं तो क्यू बाई ए बोल देते हैं वहां पे, तो दोनों ही सेम है अगर चार्ज सेम बोला हुआ तो ये अलग अलग है नहीं, सेम। क्वेश्चन नंबर 85, तो देखिए 85 में क्या बोल रखा है कि दो चार्ज ए और बी और मैग्नीट्यूड पोजीशन बता रखी है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और ग्राफ शो किया हुआ है एक्स ए से, और ई को पॉजिटिव लेना है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ ए बी, तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानना है और ये ग्राफ उसका बता रखा है, तो ग्राफ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो देखें इसके बिल्कुल पास वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इनफाइनाइट मतलब इधर की तरफ है, तो किसी चार्ज से अवे हो गया एक तरह से पास वाले पॉइंट पर, तो इसी का इफेक्ट होगा, तो इससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज। यहां पे देखेंगे बी के बिल्कुल पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो इस बी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो किधर की ओर लेनी है, अलोंग लाइन जॉइनिंग ए टू बी, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ पॉजिटिव इनफाइनाइट। पॉजिटिव इनफाइनाइट यहां पे होने का मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है जब चार्ज नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ उल्टा दे रखा है। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, एक ऑयल ड्रॉप जो है उसमें चार्ज दे रखा है, मास गिवन है, और ये फॉल कर रहा है एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी के अंदर और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब ये क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है ऊपर की ओर जा रहा है वही कांस्टेंट स्पीड से, तो ये बताना है कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एयर रेजिस्टेंस सेम बोलना है, तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखें एक बार इसमें क्या बोल रखा है कि पहले नीचे की ओर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो दोनों बराबर है, पहले ये सिचुएशन थी, mg बराबर ft,
नीचे की ओर जा रहा था इसलिए। अब क्या बोल रखा है कि सेम वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लेकिन गैप किस वजह से ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इसलिए ऊपर की ओर जाना चालू किया। एयर रेजिस्टेंस तो मोशन के अपोजिट लगेगा, ऊपर जा रहा तो नीचे लगेगा। अब क्यू ई कितना आ गया, एफ ए प्लस एम जी के बराबर। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इसलिए फोर्स बराबर है, एफ ए एम जी के बराबर हो गया, तो क्यू ई बराबर कितना हो गया, टू एम जी। ठीक है, बस अब वैल्यूज रखनी है। तो क्या बोला हुआ उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मास कितना दे रखा है, मास है 1.6 न्यूटन से बार माइनस 15 ग्राम, ग्राम मतलब 10 से बार माइनस 3, और जी की वैल्यू 10 लेते हैं गिवन है। बाय चार्ज, चार्ज की वैल्यू है माइनस 9.6, वो तो डायरेक्शन आई गई अपने लिख ली है। अच्छा डायरेक्शन लिखनी बाकी है अभी, चलो देखते हैं। 9.6 न्यूटन से पावर माइनस 19, डायरेक्शन की देखते हैं एक बार। चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को ऊपर कब ले जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, तो डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, तो इन दोनों में से होना है। चलो वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कंपेयर करते हैं कैलकुलेट करके। तो यहां पे पॉइंट तो हटा दो पहले, पॉइंट हटाने के बाद कैंसिल करते हैं, तो 8 से 16 और 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 1/3, और बाकी कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज तो आ जानी चाहिए। 19 ऊपर ले जाएंगे, एक 20 हो जाएगा, 18 जाएगा, 10 से पावर 2 आ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ जाएगा 1/3 इंटू 10 से पावर 2, तो 87 में फर्स्ट हो जाएगा। 87 के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। एक मेटेलिक स्फीयर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, लाइन ऑफ फोर्सेस का पाथ कौन सा होगा वो चेक करना है। तो फिर से वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, ये नहीं आ रही, इनसाइड होती नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो केवल डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 89 पे आते हैं, 89 में बोल रखा है कि नॉन कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस दे रखी है, चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसके स्पेस में, तो इनफाइनाइट से जीरो तक, जीरो क्या है उसका सेंटर, माइनस ई डॉट डी एल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल, ये निकाल लेते हैं। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा रिंग के सेंटर पे, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, और इनफाइनिट पे कितना, जीरो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 9 9 9 और इंटू 2 या जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 18, लगभग 20 के अराउंड ये वैल्यू, तो 20 इंटू 10 से पावर कितना रह जाएगा, माइनस 1। सही है, वैल्यू कितनी रहेगी, 2, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में पोटेंशियल पॉजिटिव है, सेंटर पोटेंशियल ही बोला हुआ है एक तरह से, तो प्लस 2 आ जाएगा। 89 हो गया। 90 पे लास्ट क्वेश्चन है अपना, एक स्फेरिकल पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया सॉलिड स्फेयर से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है वॉल्यूम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस, तो एक रिजल्ट है ध्यान रखना है। वैसे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें पूरे स्फेयर की वजह से, कैविटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो रिजल्ट सिंपल सा आता है, रो आर अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट आता था बस वही है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी होता है ये डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस। अब चाहे कैविटी इस तरह से बनाई हो, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज रख दिया हो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया हो, कैसे भी बना दी हो कैविटी, यही रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कैविटी के अंदर। और क्या आएगा, डायरेक्शन डी, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आएगा, कितना आएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है इसके बराबर, तो क्या होगा, जीरो तो है नहीं सेंटर पे, है नहीं इसलिए ये डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा, इज नॉट जीरो बट यूनिफॉर्म, तो सेकंड हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म थर्ड गलत है, जीरो एट द सेंटर ओनली गलत है, तो नॉन ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन जीरो होगा। तो इसी के साथ अपना पेपर डिस्कशन खत्म होता है, आशा करते हैं पेपर तुम्हारा बढ़िया गया होगा। ठीक है, थैंक यू।